वेल well, uh, आज की फिफ्थ है ना चलिए सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू नालायको जोर से एक बार सो जोर, जोर, so, जोर से बोलो ओके तो स्टार्ट करे नहीं।, नहीं।, नहीं क्या करना है फिर अच्छा ओके तो आपको अब डांस वगैरह ये अरे तो अच्छा हो गया भाई खाना वाना हो गया आप थोड़े बैठे मजा डांस किया जाए या सॉन्ग आया जाए ओके नालायक पढ़ने आते हो यहाँ पे कि टाइम पास करने आते हो लाओ सबके पेरेंट्स के फोन नंबर लाओ मेरे पास बताता हूँ एक नंबर के नालायक है और कुछ नहीं है ओके okay, सो so, चलो फटाफट -पड़ रिवाइज कर लेते हैं आर यू रेडी ठीक है तो आ, हमने सेकंड से चालू किया था ना सेकंड थर्ड फोर्थ आज की फिफ्थ है Now, सबसे पहले फटाफट पड़ रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सेस से जो भी स्टूडेंट के पहले लेक्चर मिस हुए होंगे वो यूट्यूब पे देख सकते हैं क्योंकि पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कोई चेंज नहीं है एक दो सेशंस जो डाले हैं यूट्यूब पे तो वो यूट्यूब पे लास्ट बैच लास्ट बैच के क्यों ना हो वो देख सकते हैं सेशंस ठीक है नाउ यहां पे हमने फिर बात की बेटा अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट जुलाई 2017 के पहले अलग अलग टैक्सेस थे गुड्स और सर्विसेस पे सभी टैक्सेस मर्ज कर दिए गए किसमें जीएसटी में ठीक है इन यूनिफाइड कोड गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स फिर डिसीजन हुआ कि जीएसटी ड्यूअल मॉडल में लाना है मतलब बेटा मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ मैंने क्लास चालू कर दिया आपको फील हो रहा है किसको नहीं हो रहा है खड़ा हो जाए फिर मैं तो बताता हूँ अरे चाय आ गई हाँ 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 ठीक है तो यहाँ <laughs> <भी देड़े। laughs> हाँ हा, हा हा तो यहाँ ओके okay, तो यहाँ तुमको मिला हमको भी चाहिए तो यहाँ स्टार्ट करें तो जीएसटी ड्यूअल मॉडल में आया सीजीएसटी और एसजीएसटी लेकिन फिर बात थी क्योंकि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर था तो जब गुड्स या सर्विसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगी उस वक्त क्या करना तो फिर एक कंसेप्ट इंडिया ने डेवलप किया और वो था आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो यहां पे आईजीएसटी का रेवेन्यू किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा आता माझी ओके इधर ध्यान दो और ये मैं समझना बेटा मेरा ध्यान नहीं है पीछे से वो पूरा ध्यान रखता है कौन गड़बड़ कर रहा है पर मैं इग्नोर कर देता हूं जाने दो छोड़ो तुम छोटे हो भी हाँ <laughs> तो, तो जहां तक देखा जाए तो आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो पिक्चर में लाया गया और यह डिसाइड हुआ कि आईजीएसटी का 50% परसेंट तो अपना सेंट्रल रखेगा क्योंकि आईजीएसटी फुल रेट से है पर बाकी फिफ्टी परसेंट स्टेट को देगा फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि कौन से स्टेट को देना आई जीएसटी तो ओरिजिन स्टेट को नहीं देंगे कौन से स्टेट को देंगे डेस्टिनेशन स्टेट ओके डेस्टिनेशन स्टेट को दिया जाएगा क्यों ऐसा सर पहले सी जब सी लगता था तो ओरिजिन स्टेट को मिलता था तब ठीक था बेटा पर जीएसटी में क्रेडिट का फ्लो कंटिन्यू रखना था अगर डेस्टिनेशन स्टेट को आई का पचास नहीं दिया जाता तो फिर वो आगे क्रेडिट नहीं देता तो वो क्रेडिट को कंटिन्यू रखना था क्रेडिट कंसेप्ट क्या है हम आज के सेशन में देखेंगे ठीक है तो चलो ये बात हुई रिगार्डिंग टू हमारी जहाँ तक है प्लीज़ ध्यान से देखिएगा आईजीएसटी uh, के बारे में फिर थोड़ा मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा इंटरस्टेट कब कब बोला जाएगा फ्रॉम वन स्टेट टू नादस्ट स्टेट वन यू टी टू अनादस्ट है यू टी टू यू टी ठीक है स्टेट यूटी टू स्टेट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन पे कस्टम ड्यूटी भी लगती है और आई जी एस टी भी लगती है हाँ ये बात अलग अल है कि एक्सपोर्ट को आगे जीरो रेट दिया है वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है पहले आई जी एस टी लगा दिया पहले मार दिया थप्पड़ ठीक है पहले आईजीएसटी तो लगा दिया क्यों आईजीएसटी लगा दिया इंटरेस्टेड लेकिन फिर क्या किया गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने कहा कि देखो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो अगर आप एक्सपोर्ट के सभी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो और पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में लाते हो तो फिर हम आपको आईजीएसटी जीरो कर देंगे यानी आईजीएसटी नहीं लगाएंगे इसी को दूसरे ढंग से कहूं तो अगर आपने पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में नहीं लाया ओके okay, और सभी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस नहीं किए तो हम तो पहले से आईजीएसटी लगा चुके हैं आपको जीरो रेट क्लेम करना है आपको बेनिफिट्स क्लेम करना है तो ऐसे सिचुएशन में आपको जो है ओके okay, हमें सभी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा एक सवाल कभी बहुत सी बार दिमाग में आता है कि सर ये एक्सपोर्ट को हमारी गवर्नमेंट प्रमोट क्यों करती है क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज लाता है एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज लाता है और जितनी ज्यादा जो कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज हो वो कंट्री अपने आप को उतना ज्यादा डेवलप कर सकती है क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी अपने कंट्री में ला सकती है बेस्ट लोग हायर कर सकती है अरे है ना तो ऐसे सिचुएशन में फॉरेन एक्शन रिजर्व होना मतलब कंट्री का एक स्ट्रेंथ होता है कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी परचेस कर सकते हैं इसलिए एक्सपोर्ट फॉरेन एक्शन रिजर्व लाता है इज इट क्लियर और वो तो है दूसरी बात हम जब इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट का पेमेंट फॉरन एक्सचेंज में करना पड़ता है तो इंपोर्ट का पेमेंट फॉरन एक्सचेंज में करना है तो पैसा भी हमारे पास होना जरूरी है तो ये सब बातें हैं ओके तो एक्सपोर्ट पर जी तो लगाया गया है लेकिन बाद में जीरो रेट आगे पड़ा होगा उसको जीरो रेट के स्पेशल बेनिफिट्स दिए हैं ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें चलिए अगर आपको याद होगा तो कौन था मैं नाम भूल गया उस दिन इंसल्ट करके बाहर निकला था तो ही था ना ऑफिसर को इंसल्ट क्या नाम था हाँ मोनिश तो हम इस बात पे थे थोड़ा हम ये डिस्कशन पे आते हैं कि हम इस बात पे थे कि ऑफिसर ने मोनिश के जो सेल परचेस ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर जीएसटी लगाया ठीक है तो मोनिश ने कहा कि डू हैव कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ना हो तुम इंडियन पब्लिक से एक भी पैसा नहीं लूट सकते या एक भी पैसा नहीं ले सकते आपके पास मेरे से पैसा लेने की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथॉरिटी होना जरूरी है फिर बात इस पर हुई कि यहां पे ओके okay. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी बात इस पर हुई कि कोई भी टैक्स लगाना है इंडिया में फिर वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो कोई भी टैक्स लगाना है तो लॉ होना जरूरी है ठीक है और उससे रिलेटेड लॉ होना जरूरी है उससे रिलेटेड सोर्स एंट्री होना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स एंट्री होगी तो ही हम लॉ बना पाएंगे और सबकी सोर्स एंट्री जो दी गई थी वो आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स उसके तहत शेड्यूल सेवन में तीन लिस्ट आती है लिस्ट वन एज यूनियन लिस्ट लिस्ट टू एज स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट थ्री एज कौन इसमें आपको आप किस सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हो उसकी कंप्लीट लिस्ट दी है किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हो अब थोड़ा मैं आपका डिस्कशन टर्न करूंगा मैं वो लिस्ट पे आता हूं अगर मैं ये शेड्यूल सेवन की लिस्ट आपको समझाऊं, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा टेक्निकल पॉइंट है कोई एग्जाम के हिसाब से याद नहीं रखना है या नेक्स्ट पेज पे लिस्ट दी भी है आपको ठीक है वो क्या पेज नंबर है बेटा सेवनटीन सेवनटीन एटीन पेज पे वो लिस्ट फिर से दिया है मैंने रिपीट किया है पर मैं वो जो लास्ट पेज पे हमने ये लिस्ट रेफर किया था वो भी चल सकता है कौन सा पेज पहले वाला पेज कौन सा है नाइन नाइन पे भी लिया है मैंने थोड़ा मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा मुझे आपसे आंसर चाहिए मुझे बताइए लिस्ट वन में जो सब्जेक्ट दिए है इस पर कौन लॉ बना सकता है सेंट्रल स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी नहीं करेगा लिस्ट टू में जो दिए वो स्टेट बनाएगा उसमें सेंट्रल इंटरफेयर नहीं करेगा लिस्ट थ्री में उस सब्जेक्ट पे ध्यान से सुनना लिस्ट थ्री में उस सब्जेक्ट पे दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है पर अलग अलग और दोनों की प्रोसीजर ऑपरेशंस अलग अलग हो गए एक साथ मिलकर नहीं बनाएगी दोनों अपनी अलग अलग बनाएगी अब जब जीएसटी लाना था तो गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे संविधान का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों गवर्नमेंट एक जगह बैठकर एक जैसा लॉ बनाएगी ऐसी प्रोविजन ही नहीं थी क्योंकि बेटा दोनों गवर्नमेंट को एक जगह बैठना जरूरी था क्योंकि लास्ट सेशन okay, में हमारी बात हुई कि 29 स्टेट 28 स्टेट्स के लॉज 9 यूटी के लॉज और सीजीएसटी व्हाट टू व्हाट सेम चाहिए था कुछ याद आया क्या सभी लॉज किसी स्टेट ने अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए कोई भी स्टेट अलग से लॉ नहीं बनाएगा अपनी अलग ड्राफ्टिंग नहीं करेगा सब यहां पे आकर कॉमन बेंच पे बैठेंगे और एक जैसा लॉ बनाएंगे ठीक है स्टेट लॉ ऑफ इंडिविजुअल पास करो पर बनेगा एक जैसा ही मेरी बात समझ में आया ऐसी प्रोविजन नहीं थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई मिलकर लॉ बनाएंगे हाँ, एक सब्जेक्ट पे दो गवर्नमेंट लॉ बना सकती है पर अलग अलग मिलकर नहीं कौन सा लिए? कौन सा लिस्ट था कौन कर लिस्ट कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वो लॉ बना सकती है दोनों भी बना सकती है पर अलग अलग मिलकर नहीं जबकि जीएसटी में ऐसा था कि मिलकर लॉ बनाना था दोनों के मिलकर लॉ तो फिर क्या करें क्यों क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा तब तक हम लॉ नहीं बना पाएंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स एंट्री यहां से ही आएगी फिर ही जैसे एंट्री जै, नंबर 82 आपने पढ़ा होगा इनकम टैक्स दिस इज द सोर्स एंट्री फॉर इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन थैंक यू 1961 समझ में आया ना तो ये सोर्स एंट्री है इनकम टैक्स की यहां यहां लिखा हुआ था लिस्ट वन में इसलिए सेंट्रल ने लॉ बनाया जीएसटी लिखा ही नहीं था कहीं पे हां गुड्स पे टैक्स लगाने के कुछ एंट्रीज थी लिस्ट वन में सर्विसेज पे टैक्स लगाने की एंट्री लिस्ट वन में थी ओकि लिस्ट टू में कुछ गुड्स और सर्विसेज पे थी लग्जरी टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स कुछ याद आ रहा है आपको ये इधर थी लॉटरी टैक्स वेटिंग टैक्स लिस्ट टू में था पर दोनों अलग अलग थे ऐसी प्रोविजन ही थी कि भाई दोनों मिलकर सब मर्ज कर देंगे और इंडिया के सभी गुड्स और क्या सभी सर्विसेज पे मिलकर टैक्स लगाएंगे ऐसी प्रोविजन नहीं थी तो फिर सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई ठीक है वो अमेंडमेंट थ्री हंड्रेड एंड फर्स्ट अमेंडमेंट जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हुई विथ टू थर्ड वोटिंग्स, हां कोई भी प्रोविजन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना है टू थर्ड वोटिंग चाहिए लोकसभा में भी और राज्यसभा यानी लोकसभा और राज्यसभा में ये डिसाइड हुआ कि चलो एक लॉ ऐसा बनाते हैं कि जो दोनों मिलकर बनाया जाएगा और जिसका रेवेन्यू 50-50 शेयर किया जाएगा 50% परसेंट और 50% परसेंट क्या एस लेकिन फिर सवाल उठा कि कौन से लिस्ट में डालना अगर हमने जीएसटी की एंट्री लिस्ट वन में डाल दी तो पावर सेंट्रल को मिल जाएगी अरे है ना लिस्ट फिर फिर दो थोड़ी लगाते आएंगे हमको दोनों साथ में लगाना है क्या दोनों साथ में लगाना है सीजीएसटी और एस लिस्ट लिस्ट में भी नहीं लगा सकते और कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स मैटर है ही नहीं कॉन्कर लिस्ट में सोशल मैटर है जैसे फॉरेस्ट हुआ एजुकेशन हुआ वुमेन वेलफेयर हुआ टैक्स मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है तो एट लास्ट फिर ये डिसाइड हुआ कि एक नया आर्टिकल बनाते हैं जीएसटी का आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स शेड्यूल सेवन के अंडर ये जो लिस्ट है ये लिस्ट को ऐसे ही रहने देते हैं इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे जीएसटी लगाने के लिए एक नया आर्टिकल बनाएंगे और एक नया आर्टिकल बनाया गया फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर है टू फोर्टी सिक्स ए आई रिपीट वर्ड क्या टू फोर्टी सिक्स कौन था टू फोर्टी सिक्स जिसमें तीन लिस्ट दी इन्होंने एक नया आर्टिकल बनाया आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स तो देखो यहां पर हम आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए याद रखना कौन सी सोर्स एंट्री है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी लगाने की और वह है आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स ए देखो यह क्या कहता है नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स एंड टू फिफ्टी फोर टू फिफ्टी फोर रीड करने की जरूरत नहीं है पर शुरुआत बहुत अच्छी है क्या नॉट टू एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 मतलब बताओ आर्टिकल 246 क्या था अभी हमने देखा ना शेड्यूल सेवन थ्री लिस्ट हाँ बोलो हाँ बोलो नहीं भी याद होगा तो हाँ बोलो देखो याद आता है हाँ ना याद आ, तो आर्टिकल शेड्यूल सेवन आर्टिकल 246 फोर्टी तीन लिस्ट स्टार्ट ऐसा नॉट विंग टू एनीथिंग कंटेंट In that list. मतलब क्या आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स कहने जा रहा है कि अब जो मैं कहूंगा वो होगा और एक बार जो मैं कह देता हूं तो अपने आप की भी नहीं सुनता मतलब ये आर्टिकल ओवर करेगा किसको को ओवर करेगा आर्टिकल 246 को ठीक है ये आर्टिकल कहता क्या है ओके okay, अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल कहता है यहां पे पार्लियामेंट पार्लियामेंट मतलब कौन सेंट्रल एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज टू लेजिस्लेचर ऑफ क्या अच्छा मुझे बताओ वहां और है या एंड वर्ड है मतलब ये दोनों मिलकर बनाएंगे और वर्ड नहीं है क्या वर्ड है वहां पे एंड पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट दोनों मिलकर ये लॉ बनाएंगे इज इट क्लियर तो पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स इंपोज बाई यूनियन और बाय सच स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे और इंडिया के सभी गुड्स अंडरलाइन करना इंडिया के सभी गुड्स और इंडिया की सभी सर्विसेस पे ओके okay, सेंट्रल और स्टेट टैक्स दोनों लगेगा इज इट क्लियर आगे देखो क्या कहते हैं. लेकिन पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक द लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोट टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ क्या बेटा इंटरस्टेट ट्रेड मुझे बताओ आईजीएसटी लॉ कौन बनाएगा सेंट्रल टैक्स कलेक्शन कौन करेगा सेंट्रल हाँ फिर वो शेयर होगा पर सेंट्रल बनाएगा और कलेक्शन भी सेंट्रल तो ये है सेकेंड पार्ट कि अगर बात इंटरस्टेट ट्रेड की होगी कमौन किसकी इंटरस्टेट ट्रेड की होगी फॉर गुड्स एज वेल एज फॉर सर्विसेस तो ये पावर पार्लियामेंट के पास होगी तो पार्लियामेंट उसका लॉ बनाएगा ओके okay, तो ये अंडरलाइन करना इंटरस्टेट ट्रेड वगैरह तो इसके ऊपर पार्लियामेंट टैक्स लगाएगा नो एक्सप्लेनेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस एक्सप्लेनेशन प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शाल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेफर इन क्लॉज फाइव ऑफ आर्टिकल टू सेवेंटी नाइन ए टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन बाय GST Council, काउंसिल ठीक है नो no. अब थोड़ा मैं आपका ध्यान चाहूंगा uh, हुआ क्या बेटा इमेजिन करना कि सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल इन सब लोगों में प्रॉपर इंटीग्रेशन लाना इन सब लोगों की बात सुन के लेना लॉ एक कॉमन पॉलिसी पे डिसीजन लेना सबका वोटिंग लेना इसके लिए एक काउंसिल की जरूरत थी जिसको हम कहते हैं जीएसटी काउंसिल सबने ध्यान रखना क्या इन सिंपल वर्ड परिषद तो नाउ ये डिसाइड हुआ कि नहीं सभी ट्वेंटी एट स्टेट यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल मनमानी नहीं करेंगे। ओके एक परिषद बनाएंगे एक जीएसटी काउंसिल बनाएंगे ओके और ये जीएसटी काउंसिल के मेंबर सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हो गए और पर्सन हमारे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होगा समझ में आया क्या तो यहां सभी स्टेट के यूनियन टेरिटरीज के फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होगा ये ओके जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती रहेगी ये हर बात डिस्कस करेंगे और यूनानिमसली या मेजर वोटिंग से ओके okay, यहाँ रिजोल्यूशन पास करेंगे और एक बार जीएसटी काउंसिल में पास हो गया तो सभी स्टेट्स को या और सेंट्रल को उसके ऊपर लॉ बनाना जरूरी लॉ बनाना ही पड़ेगा ठीक है तो इन शॉर्ट एक वर्ड में कहना चाहता हूं अब सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी नहीं कर सकती जीएसटी लॉ पे स्टेट गवर्नमेंट मनमानी नहीं कर सकता जो भी डिसीजन होगे, किसमें होगे जीएसटी काउंसिल और जीएसटी काउंसिल में आयदर यूनानिमसली या फिर वोटिंग करके मेजोरिटी जो भी डिसीजन हो वो सबको मैंडेटरीली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा डिड यू अंडरस्टैंड ओके okay, जैसे इस बार आपको बताता हूं पहली बार वोटिंग हुई लास्ट जीएसटी काउंसिल में ओके okay, बजट आने के पहले ये डिसीजन था कि कुछ जीएसटी कुछ गुड्स के जीएसटी रेट जो है वो जाए और अलग किए जाए ओके okay, लेकिन वोटिंग हुआ, वोटिंग हुआ में बहुत से स्टेट मेंबर नहीं माने और मेजोरिटी नहीं मिली तो खत्म वो बात गई खा लेकिन अगर मेजोरिटी मिल जाती ये बात समझ में आया ना मेजोरिटी मिल जाती तो सभी स्टेट्स को फिर रेट चेंज करने पड़ते सेंट्रल गवर्नमेंट को रेट चेंज करने पड़ते So, जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजन किसके बेस पर होगा बेटा जीएसटी काउंसिल में जीएसटी काउंसिल में होगा अब देखो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं आर्टिकल टू ए क्लॉस फाइव में कुछ गुड्स की लिस्ट दी है नीचे लिस्ट दिया है मैंने जैसे पेट्रोलियम क्रूड मतलब क्रूड पेट्रोल हाई स्पीड डीजल मोटर स्प्रीड मतलब रिफाइंड पेट्रोल नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एक बार मेरे साथ सभी वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक लिस्ट रिवाइज करें कौन सा पहला पेट्रोलियम क्रूड दूसरा हाई स्पीड डीजल तीसरा मोटर स्प्रीड कॉलेस पेट्रोल दूसरा नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल सर ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या होगा एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये एरोप्लेन के लिए स्पेशल फ्यूल यूज होता है उसको कहते हैं एविएशन फ्यूल तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये पांच आइटम सर पांच का ये तो तीन ही है वैसे पांच है वो पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट तीन चौथा नेचुरल गैस और पांचवा ये प्रोडक्ट पे सुना ध्यान से हाँ एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं ये प्रोडक्ट पे अभी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा जब तक जीएसटी काउंसिल इसको रिकमेंडेशन नहीं देता है। चलो दूसरे ढंग से आपके सामने प्रेजेंट करता हूं आर्टिकल 246 ए ये कहता है कि इंडिया के सभी गुड्स के ट्रांजैक्शन और सभी सर्विसेज के ट्रांजैक्शन पे क्या लगाया जाएगा जीएसटी एक्सेप्ट दिस एटम्स अब एक्सेप्ट दिस आइटम मतलब ये पांच एटम्स पे ओके जब तक जीएसटी काउंसिल में एक मत नहीं होता है जब तक सभी स्टेट यूनियन टेरिटरीज और सेंट्रल गवर्नमेंट परिषद में यूनानिमस रिजोल्यूशन नहीं पास करेंगे तब तक इन प्रोडक्ट पे जीएसटी क्या नहीं लगाया जाएगा अब आपका दूसरा क्वेश्चन सर अगर पेट्रोल पे, पे जीएसटी है ही नहीं तो हमने तो सुना है सर पेट्रोल पे, पे बहुत टैक्सेस है और आप कह रहे हो पेट्रोल पे, पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा यहां जीएसटी नहीं लगाया जाएगा मतलब इस पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे बताओ कौन से एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे एक्साइज वैट सी क्या वो कंटिन्यू रहेंगे हाँ इसलिए आज भी एक्साइज लॉ ऑमिट नहीं हुआ है विड्रॉ नहीं हुआ है वैट और सीएसटी आज भी विड्रॉ नहीं हुआ है ये आइटम्स के लिए आज भी वो लॉ एप्लीकेबल है आई होप यू अंडरस्टूड ओके तो ये आइटम जो है अभी जीएसटी में नॉन टैक्सेबल है on, क्या वर्ड यूज किया मैंने नॉन टैक्सेबल जीएसटी में नॉन टैक्सेबल है अदर लॉ में एक्साइज या वैट या सीएसटी इनके ऊपर अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है फिर आपका एक दूसरा सवाल सर क्यों ये आइटम्स पे उन्होंने यहां पे क्यों जीएसटी नहीं लगाया इसको भी जीएसटी ले आते बता दो क्यों पेट्रोल में जब वो वैट में था तब क्रेडिट नहीं थे क्रेडिट नहीं थे मतलब क्या थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं नॉर्मली आज मैं वो सिस्टम पढ़ाऊंगा जब आप सेल करते हो सेल पर टैक्स लगता है और परचेस पे भी टैक्स लग के आता है बर्डन पास ऑन तो जो परचेस पे टैक्स लग के आता है उसका सेट ऑफ मिलता है उसका क्या मिलता है सेट ऑफ किसके अगेंस्ट सेट ऑफ मिलता है जो सेल का टैक्स है ओके okay. इसलिए तो वो वर्ड यूज करते थे वैल्यू एडेड टैक्स समझ में आया क्या वैल्यू एडेड टैक्स तो ऐसे सिचुएशन में पेट्रोल में डीजल में पेट्रोलियम क्रूड में पहले भी सेट ऑफ नहीं मिलता था यानी नहीं देते थे वो सेट ऑफ ओके ब्लॉक एटम था सेट ऑफ के लिए मतलब सेट ऑफ नहीं दिया जा रहा है तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट होते थे ओके okay, कुछ समझ में आ रहा है आपको कैस्केडिंग इफेक्ट होते थे अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे होते थे मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं okay, अगर आपको एक डायग्राम याद आ रही होगी ये कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे होते थे जस्ट वि आपको ये एग्जांपल याद आ रहा है ये वाला एग्जांपल याद आ रहा है आपको क्या था ये एग्जांपल बेटा कि देखो ध्यान से सुनना पहले जब सेल हुआ ध्यान से सुना पहला जब सेल हुआ था एक हजार प्राइस थे उसके ऊपर कितना सेल्स टैक्स कितना था हंड्रेड टोटल क्या था एलेवन हंड्रेड हमने परचेस प्राइस कितनी कंसीडर की थी एलेवन हंड्रेड उसमें दो सौ रुपये वैल्यू एडिशन था अरे यहाँ ना और फिर प्राइस कितनी हुई थी तेरह सौ रुपए और तेरह सो पे सेल्स टैक्स लगा अब मैं आपको बताता हूं क्या ये तेरह सो में ये हंड्रेड भी इंक्लूडेड थे या ना क्या ये तेरह सो कैसे आए थे ग्यारह सो प्लस दो सौ कुछ समझ में आया क्या से सेल्स लगा। मतलब इसको कहते थे टाक्स टाक्स। क्या अच्छा, बात तो आगे बढ़ देखो क्या ये सत्रह सो जो सेल प्राइस थी थोड़ा आप दिमाग लड़ाना सत्रह सो रुपए जो सेल प्राइस क्या इसमें ओरिजिनल हंड्रेड इंक्लूडेड था हाँ क्या ये वन थर्टी भी इंक्लूडेड था क्या ऑलरेडी दो दो सेल्स टैक्स इंक्लूडेड थे हाँ और उस पर वापस सेल्स टैक्स यानी गवर्नमेंट अपने ही सेल्स टैक्स पे बार बार क्या टैक्स लगा रही है और जब तक प्रोडक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर पे हाथ में जाता था तब तक टैक्स ऑन टैक्स टैक्स ऑन टैक्स टैक्स ऑन टैक्स टैक्स ऑन टैक्स टिल अल्टीमेट कंज्यूमर डिड यू अंडरस्टैंड इसको हम कहते थे कैस्केडिंग इफेक्ट कैस्केडिंग इफेक्ट डिड यू अंडरस्टैंड तो ऐसे सिचुएशन में पेट्रोल पे कैस्केडिंग इफेक्ट था बाकी प्रोडक्ट पे तो क्रेडिट सेट ऑफ कंसेप्ट आ गया था जिसका नाम था क्या आई बाकी सब प्रोडक्ट पे 2004 से ही सेट ऑफ पर आ गया था लेकिन पेट्रोल पे सेट ऑफ कंसेप्ट नहीं था पेट्रोल पे कैस्केडिंग इफेक्ट था इसलिए आज भी अगर सभी टैक्सेस हटा दिए जाए पेट्रोल के सुन्याध्यान से पेट्रोल के सभी टैक्सेस हटा दिया जाए तो पेट्रोल आपको फोर्टी फाइव पर लीटर मिलना चाहिए लेकिन 45 उसकी कॉस्ट है प्लस बाकी सब टैक्सेस और उसमें भी कैस्केडिंग इफेक्ट है टैक्स ऑन टैक्स है आप समझ पा रहे हो इस बात को तो क्या था कि यहां पेट्रोल डीजल अच्छा फिर आपका एक दूसरा सवाल आ जाता है दिमाग में सर पेट्रोल पे क्यों रखे थे गवर्नमेंट ने कैस्केडिंग इफेक्ट क्यों सेट ऑफ नहीं दिए थे क्यों क्योंकि पेट्रोल का कंजम्पशन गवर्नमेंट डोमिनेट करना चाहती है। हाँ या ना ओके okay, पेट्रोल का कंजम्पन क्योंकि इंडिया में पेट्रोल का प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं है बाहर से इंपोर्ट है पेट्रोल पोल्यूशन क्रिएट करता है तो जितना ज्यादा प्राइस रखोगे उतना लोग उसका कंजम्पन कम करेंगे अरे यस और नो तो उसका कंजम्पन डोमिनेट करना चाहती थी गवर्नमेंट इसलिए पेट्रोल पे उन्होंने कभी सेट ऑप दिया ही नहीं कैस्केडिंग इफेक्ट था प्राइजेस बहुत ज्यादा हो रही थी और अब सवाल था कि पेट्रोल को डीजल पेट्रोल डीजल एच ये जो है क्या हम जीएसटी में लाए क्या अगर जीएसटी में आता तो फिर से कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता अरे हाँ है ना नहीं नहीं सॉरी जीएसटी में आता तो आईटीसी मिल जाता क्योंकि जीएसटी में सबको आईटीसी थे आईटीसी मतलब क्या सेट ऑफ सेट ऑफ है सबको सेट ऑफ है तो ऐसे सिचुएशन में ये डिसाइड हुआ कि नहीं अभी नहीं लाते क्योंकि पेट्रोल का यूज रेवेन्यू सेक्रीफाई हो जाएगा अगर हमने जीएसटी में लाया और उसके बाद भी जीएसटी में आता है तो 50 परसेंट कौन ले लेता है सेंट्रल और 50 परसेंट कौन लेता है स्टेट स्टेट का रेवेन्यू ज्यादा है पेट्रोल का एज कंपेयर टू क्या सेंट्रल ये बात समझ में में आई क्या तो ऐसे सिचुएशन सभी स्टेट ने मना कर दिया कि ये पांच आइटम्स को जीएसटी में लाओ मतलब फिलहाल आगे देखेंगे पर फिलहाल नहीं आएगा मेरा एक सवाल है आपसे बताओ पेट्रोल डीजल वगैरह ये पांच आइटम्स कभी जीएसटी में नहीं आएंगे या तब तक नहीं आएगी जब तक काउंसिल रिकमेंड नहीं करता मतलब ये अगर फ्यूचर में सब एकमत हो जाए और अपना रेवेन्यू सैक्रीफाई करने रेडी हो जाए तैयार हो जाए तो ये जीएसटी में आ सकता है और जिस दिन ये जीएसटी में आएगा ना मैं आपको अभी बोल देता हूं कम से कम तीस से चालीस रुपया पेट्रोल की प्राइस कम हो जाएगी ये समझ में आया क्या आपको लेकिन अभी फिलहाल ये जीएसटी में नहीं है मतलब इनके ऊपर क्या लग रहा है एग्जिस्टिंग एक्साइस वैट और एक्सेट्रा तो चलो लिखो साइड में यहां लिखो नोट उसके नीचे लिखो दीज गुड्स आर कॉल्ड एज दीज गुड्स आर कॉल्ड एज नॉन टैक्सेबल सप्लाय दीज गुड्स आर कॉल्ड एज नॉन टैक्सेबल सप्लाय अंडर जीएसटी नॉन टैक्सेबल सप्लाय अंडर क्या जीएसटी अच्छा मैंने स्पेसिफिक लिखा अंडर जीएसटी मतलब बाकी अदर टैक्सेस है ना लिखो अदर टैक्सेस लाइक एक्साइज वैट अदर टैक्सेस लाइक एक्साइज वैट सीएसटी आर लेविएबल आर लेविएबल लेविएबल का स्पेलिंग आई ए वीएल अच्छा लेविएबल मतलब लाइबल आर लेविएबल टू क्या टैक्स लेविएबल टू टैक्स चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ फटाफट नेक्स्ट पेज पे आ जाना अच्छा पेज नंबर नाइन का टेबल और ये टेबल कंपैरिजन करो हां मैं जो बोलूंगा वहां पे और जिसको सवाल पूछूंगा वह आंसर देगा मुझे बताओ पेज नंबर नाइन का जो टेबल है लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री और अभी ये जो है इसमें एटी फोर में क्या चेंज हुआ ध्यान से पढ़ के बताओ लिस्ट वन एटी फोर में क्या चेंज हुआ ध्यान से पढ़ के बताओ और जिसको पूछा जाएगा वो बताएगा हाँ यस यू साइल प्लीज हाँ. पहले वाले इसमें और इसमें क्या चेंज है बताओ पहले वाले में लगेगा एक्साइस और सेकंड इसमें एक्सेप्शन दिया है ऐसा है अच्छा कोई इधर बताए क्या डिफरेंस है एटी फोर रीड करके तो बताओ क्या डिफरेंस आ रहा है एटी फोर पहले पेज नंबर नाइन पे एटी फोर पढ़े आपने हाँ और ये यस एनीबडी गड बेटा कमाल वेरी गुड वेरी गुड ओके जस्ट एक और सवाल पूछना है पहली बात तो आंसर बहुत सही आया है ओके okay, जीएसटी आने के पहले वो जो पहला वाला टेबल है वो जीएसटी आने के पहले है। और ये वाला टेबल है वो जीएसटी आने के बाद है ठीक है अगर आप देखते हो तो पहले वाले टेबल में वर्ड एक्साइजेबल गुड्स जो प्रोड्यूस होते थे सभी गुड्स जो प्रोड्यूस होते थे मैन्युफैक्चर होते थे क्या उनके ऊपर एक्साइज था यस और नो अब 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 बताओ जीएसटी आने के बाद सभी गुड्स पे एक्साइज है तो बताओ कौन कौन से गुड्स पे एक्साइज है वही गुड्स के एक्साइज है वही गुड्स पे एक्साइज है जो अभी अभी एक्सक्लूड है आ, अरे है ना आ, मतलब बाकी सब गुड्स अब जीएसटी में चले गए आ, तो कल कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सवाल पूछा था लास्ट सेशन में और ये सवाल पूछा था कि सर अब जीएसटी आने के बाद एक्साइज लगेगा क्या नहीं ना एक्साइज लगेगा ना वैट लगेगा ना सीएसपी कोई भी नहीं ऑनली क्या जीएसटी तो गवर्नमेंट ने लिस्ट वन यूनियन लिस्ट अमेंड की अरे ना अरे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज यहां पे भी हुआ और यहां से ऑल ये वर्ड निकाल कर ओनली नेमली नेमली मतलब जितना कहा उतना इत, इतने ही गुड्स पे एक्साइज रखा तो बताओ कौन कौन से गुड्स पे एक्साइज रखा उन्होंने अभी अगर हम देखें तो ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन फॉलोइंग गुड्स बताओ ऑल गुड्स का है या फॉलोइंग गुड्स का है फॉलोइंग गुड्स पेट्रोलियम गुड एच एस डी मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इसके बारे में हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे yeah. अरे और yes नो no? yeah. उसके बाद में दूसरी जो सीएसटी की एंट्री थी 92 ए वो भी प्रोडक्ट पे है सीएसटी आज भी सीएसटी जो लगेगा इसी प्रोडक्ट पे लगेगा ये yeah. समझ में आया क्या और इधर लिस्ट टू में जो टैक्स ऑन सेल यानी टैक्स ऑन सेल यानी क्या था बेटा सेल्स टैक्स yeah. कुछ समझ में आया ना सेल्स टैक्स जो है वो इनडी गुड्स पे कौन-कौन से गुड्स पे है पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट नेचुरल गैस एविएशन टर्बाइन फ्यूल ओके okay, अब थोड़ा आगे का मत पढ़ना अल्कोहल वगैरह पहले ये पांच आइटम को क्लियर कर लेते हैं ये पांच आइटम पे एक्साइज भी है ये पांच आइटम पे सीएसटी भी है लिस्ट वन में और ये पांच आइटम पे सेल्स टैक्स भी है इज इट क्लियर ठीक है अब बात आते हैं हम अल्कोहलिक लेकर फॉर ह्यूमन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर योर एग्जाम एक या दो मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, मैं है इस बार तुम्हारे एग्जाम में तीन मार्क का मॉडल बेसिक इंट्रोडक्टरी है मैं एक भी सेक्शन पढ़ाने वाला नहीं हूँ मैं इसे बैकग्राउंड पढ़ाने वाला हूँ ये समझ में आया क्या लेकिन नो no डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप धीरे धीरे समझ रहे हो गे ये अगर डिस्कशन ना हो तो आगे जीएसटी समझना मुश्किल है. इज इट क्लियर तो अब दूसरा अल्कोहलिक लीकर पहली बात तो वर्ड को अच्छे से समझ लेते हैं अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब बताओ वो सबकी बात कर रहे है वही लीकर की बात कर रहे है जो आदमी पी सकता है वही लीकर की बात कर रहे हैं जो आदमी पी सकते तो सर बताओ ऐसा कौन सा अल्कोहल है जो आदमी नहीं पी सकता आदमी तो कुछ भी कर सकता है पर एक ट्रेन में हम देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा अल्कोहल है देखो कभी आपने सुना है इंडस्ट्रियल स्पिरिट स्पिरिट भी अल्कोहल है समझ में आया क्या पर वो इंडस्ट्रियल स्प्रिट वो वो नहीं कंज्यूम कर सकते आप ओके okay, वो इंडस्ट्री के लिए बनाया जाता है और तो अल्कोहल दो टाइप के होते हैं स्पिरिट एंड अल्कोहल जो हम हम यहाँ पे कंज्यूम कर हम नहीं करना हम नहीं करना मतलब लोग कंज्यूम करते हैं ये समझ में आया तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजुम्पन अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लेना अल्कोहलिक लीकर पे एक्साइज कलेक्ट करने का पावर या ओपीएम नार्कोटिक्स गांजा अफीम तो अल्कोहल पे लीकर पे चरस गांजा अफीम तो पे, पे, पे अगर प्रोड्यूस होता है तो एक्साइज कलेक्ट करने का पावर स्टेट के पास था अगर आप थोड़ा ऊपर आते हो तो एंट्री नंबर क्या फिफ्टी में अरे है ना तो लिस्ट टू में एंट्री नंबर 51 में एक्साइज लगाने का पावर किसके पास था स्टेट के पे पे ओपीएम स्टेटर स्टेट के पास था तो अब यानी इंडिया में अगर अल्कोहल बेचा जा रहा है पहले एक जुलाई 2017 के पहले अगर अल्कोहल बेचा जा रहा है ओपीएम नार्कोटिक्स बेचे जा रहे हैं तो उस पर एक्साइज भी स्टेट गवर्नमेंट लेती थी और वैट भी स्टेट गवर्नमेंट लेती थी और सीएसटी तो वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का था पूरा का पूरा टैक्स किसको मिलता था स्टेट को मिलता था इज इट क्लियर तो पूरा टैक्स स्टेट को मिलता था अब देखो क्या हुआ सेंट्रल का सेंट्रल की आंखें गड़ी हुई थी अल्कोहल पे क्योंकि उनको जब से इंडिपेंडेंस इंडिया में आया तब से अल्कोहल पे कभी कुछ कमाया ही नहीं क्योंकि तब से एक्साइज स्टेट के हाथ में थी वैट भी स्टेट के हाथ में था इनको कुछ भी नहीं मिल रहा था ये लोग अल्कोहल पीते थे और सेंट्रल वाले देखते थे कि कुछ भी नहीं मिल रहा है जो भी मिल रहा है किसको स्टेट को तो सेंट्रल वालों ने एक प्रपोजल रखा मुझे याद है 2009 की बात है सेंट्रल वालों ने प्रपोजल रखा कि अल्कोहल को भी जीएसटी मिलाओ क्यों अगर अल्कोहल को जीएसटी में अलाया कि फिफ्टी तुम्हारा फिफ्टी हमारा, हमारा।, हमारा। बात समझ में आई क्या तो सभी स्टेट ने कहा खबरदार अल्कोहल जीएसटी में नहीं आएगा अल्कोहल ओपीएम नार्कोटिक्स जीएसटी में नहीं आएगा तो सेंट्रल वालों ने कहा क्यों क्यों नहीं आएगा अल्कोहल हमारा था हमारा, हमारा है, है और हमारा रहेगा हम ही लेंगे टैक्स <laughs> अरे है ना ओके वो अल्कोहल हम ही लेंगे उसका रेवेन्यू शेयर नहीं होगा तीन साल सेंट्रल नहीं मानी 2009 से 2012 तक कि नहीं अल्कोहल को लाओ ओपीएम नारकोटिक्स नार्कोटिक्स को लाओ अरे है ना जीएसटी के स्कोप में क्योंकि जीएसटी के स्कोप में आया कि 50-50, नहीं माना एट लास्ट जब बीजेपी आई तब बीजेपी ने अग्री किया कि ठीक है या अरुण जेटली जी ने आग्री किया कि चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं लाते अल्कोहल को अच्छा इसमें भी एक बात बता दो सभी स्टेट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दो कि अल्कोहल को कभी नहीं लाओगे जीएसटी में <laughs> हमको ये लिख कर चाहिए प्रोविजन में हाँ पेट्रोल में आपने ऐसा नहीं लिखा कि पेट्रोल को कभी नहीं लाएंगे आपने लिखा कि जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा और जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन कब आएगा बेटा अगर मोर उठा उसको अल्कोहल हाँ अल्कोहल का डिस्क उठ उठ सुन अब तू आके सॉन्ग आएगा थोड़ी देर बाद सॉन्ग ये होगा मुझे नींद न आए मुझे ठीक है अगर ये नहीं गाते आया तो दूसरा सॉन्ग दोगा लाल रुपट्टा देखो उड़ गया हवा के झोंके से ओके okay, ओके so, yeah. <laughs> okay, तो अब बात थी बेटा अल्कोहल की ठीक <laughs> है फॉर क्या ह्यूमन कंजन नहीं कोई बात नहीं है एक. देखो मैं समझ सकता हूँ ठंडी ठंडी हवा है मधुर आवाज है ओके okay, खाना खाके आ गए हो दोपहर का टाइम है सुबह सुबह पांच बजे उठे हो अरे है ना तो नींद आ, आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पर एक सॉन्ग के लिए रेडी रहना। तो यहाँ बुला के सॉन्ग गवाओगा आपसे ओके okay, तो यहाँ वापस वापस हमारे डिस्कशन पे क्या हुआ कि स्टेट वालों ने कहा कि ये ऐसा नहीं चलेगा क्या होगा जीएसटी काउंसिल में तुमने चालाकी करके मेजोरिटी ले ली तो अल्कोहल तो गियो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखकर चाहिए कि आप कभी भी अल्कोहल को जीएसटी में नहीं लाओगे तो जीएसटी के लिए हम एग्री करते अदरवाइज जान दो जान, ज, जैसा है वैसा फिर जाने दो जैसा है वैसा तो एट लास्ट अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे बेटा तो मैं बताता हूं ओके okay, आर्टिकल 366 दिखा आपको आर्टिकल 366 सिक्सटी ए जीएसटी की डेफिनेशन उसमें तो क्लियर लिख कर दिया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजमशन मतलब जीएसटी जब जब भी इस इंडिया में वर्ड यूज होगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखो क्या कहता है किसी भी लॉ में सिर्फ जीएसटी लॉ में नहीं किसी भी लॉ में जीएसटी जब जब भी वर्ड यूज होगा तो एक काम करना सभी गुड्स और सर्विसेज पे होगा एक्सेप्ट अल्कोहल बस दे दिया लिख के नहीं लगाया गया अल्कोहल पे इज इट क्लियर तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन इस इसपे कभी जीएसटी का लेवी नहीं होगा डिड यू अंडरस्टैंड तो मुझे बताओ पेट्रोल डीजल और इसमें क्या डिफरेंस है वो पांच आइटम्स और ये अल्कोहल में क्या डिफरेंस है वो पांच आइटम्स पे क्या वो जीएसटी में आ सकते हैं ऐसा नहीं लिखा है कि कभी नहीं आएंगे। वो आ सकते हैं पर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल लेकिन अल्कोहल कभी नहीं आएगा कभी नहीं आएगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होता इज इट क्लियर ओके तो अब यहां पे वापस पहले वाले पेज पे आ जाओ इसलिए बेटा इसलिए मैं आपको बता देता हूं सुनो 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 एंट्री नंबर 51 ओमिट नहीं किया है क्यों ओमिट नहीं किया एंट्री नंबर 51 जीएसटी आने के बाद क्योंकि आज भी अल्कोहल ध्यान से सुनना सभी ने अल्कोहल जीएसटी में नहीं है तो आज भी उसके ऊपर एक्साइज लगाने का पावर स्टेट के पास ही है इसलिए वो एंट्री वैसी रखा है अरे है ना और आज भी उसके ऊपर टैक्स लगाने का पावर स्टेट के ऊपर डिड यूरस्टैंड yes. क्योंकि हाँ इंटरप्रिटेशन yes. okay, तो टोबैको, टोबैको लेवल देखना चाहता हूं मानता हूं कि अभी आप फाउंडेशन पास हो क्या होकर आए हैं और इंटर पे आप नए नए हो पर नो डाउट एक कॉमन सेंस लगा कि आप इंटरप्रिटेशन तो कर सकते हो मुझे यह बताओ इसके पहले हमने जो लिस्ट देखी थी नहीं नहीं जस्ट पहले वाले पेज पे टू सेवेंटी नाइन फाइव वो वाला पेज हाँ ये वो जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई लिखा हमने वहां पे वो पांच आइटम थे ना पेट्रोल एक बार वो पांच आइटम देखो मैं देखना चाहता हूँ आपका इंटरप्रिटेशन पांच आइटम कौन कौन से थे वो पेट्रोल क्रूड पेट्रोल क्रूड अलग और मोटर स्पिरिट अलग हा हाँ, 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 पेट्रोल क्रूड हाई स्पीड डीजल सर ये हाई स्पीड डीजल क्या होता है डीजल ठीक है उसका टेक्निकल नाम है हाई स्पीड डीजल ठीक है फिर दूसरा मोटर स्पिरिट मोटर स्पिरिट मतलब अपना रिफाइंड पेट्रोल उसके बाद में नेचुरल गैस और एविएशन टर्ब क्या ये पांच आइटम्स यहां मिल गए पर मैं थोड़ा आपको ये समझाना चाहूंगा वो कहते हैं ये सुनो ये पांच आइटम छोड़ के ये पांच आइटम छोड़ के ये आर्टिकल कहता है बाकी सभी गुड्स पे क्या लग जाएगा जीएसटी मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे क्या ये पांच आइटम्स में टोबैको कवर किया है नहीं।, नहीं।, नहीं कवर किया है मतलब ये पांच आइटम में टोबैको कवर नहीं किया है मतलब जीएसटी लगेगा क्योंकि ये जीएसटी लगने का एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन में अगर टोबैको नहीं है अगर एक्सेप्शन में टोबैको नहीं है तो जीएसटी लग जाएगा उसके ऊपर हाया ना अब आप बताओ बड़ी रही है और यहां पे जीएसटी लगेगा अगर हम डिसीजन लेते हैं पहला डिसीजन हो गया क्या जीएसटी लगे तो ये तो एक्साइज के लिस्ट में भी दिया हुआ है तो फिर फिर क्या मीनिंग आएगा मतलब दोनों लगेगे एक्साइज भी लगेगा और जीएसटी क्योंकि जीएसटी की एक्सेप्शन लिस्ट में नहीं है जीएसटी की एक्सेप्शन लिस्ट में नहीं है और इधर एक्साइज की लिस्ट में है मतलब जीएसटी भी लगेगा एक्सरसाइज में लगेगा किसी कोई डाउट इस क्वेश्चन एक बार पूछा है लास्ट एग्जाम में ठीक है हम एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी देखेंगे तो अब ये जीएसटी लगेगा और एक लेकिन बताओ टोबैको टोबैको प्रोडक्ट कवर नहीं है मतलब मतलब टेक्निकली डिजाइन करते बाद में बताओ, टेक्निकली डिजाइन करते टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स एक मिनट टोबैको तो समझ गया टोबैको प्रोडक्ट मतलब सिगरेट बीड़ी अरे है ना टोबैको से बनने वाले प्रोडक्ट ठीक है तो सिगरेट बीड़ी वगैरह तो अब ये जो सिगार हुक्का अरे है ना तो ये टोबैको प्रोडक्ट हुए तो ये जो है साइलेंट प्लीज ये प्रोडक्ट पे यहां पे जीएसटी भी लगेगा एक्साइज में कवर्ड है इसलिए एक्साइज भी लगेगा पर वैट में कवर्ड नहीं है या सेल्स टैक्स में कवर्ड नहीं है अरे है ना तो सेल्स टैक्स या वैट नहीं।, नहीं लगेगा सीएसटी में नहीं लगेगा डिड यू अंडरस्टैंड अब तुमको लॉजिकल यहां एक्सप्लेन करता हूं ओके okay, सेंट्रल और स्टेट सेंट्रल ने कहा चलो सभी गुड्स और सर्विसेज जीएसटी में लाते हैं स्टेट ने कहा सभी गुड्स और सर्विसेज जीएसटी में लाते हैं एक्सेप्ट फाइव ओके फिर स्टेट वालों ने कहा नहीं अल्कोहल को नहीं मर्ज करेंगे अल्कोहल हमारा था हमारा है और हमारा रहेगा इसलिए अल्कोहल को जीएसटी में नहीं लाएंगे तो इधर सेंट्रल ठीक है आप हम पे, GST, हम एक तुमने अल्कोहल रखा अपने पास तुम अल्कोहल लो हम टोबैको लेते हाँ <laughs> तो ये समझ में तो डिसीजन हुआ कि फिर टोबैको का एडिशनल रेवेन्यू हमारे पास रहने एडिशनल हम उसको जीएसटी में भी लाएंगे और एक्साइज भी रखेंगे ये समझ में आया क्या? अब आपसे दूसरा एक सवाल ये क्लियर हो गया एक बार फिर से दिमाग में अल्कोहल पे जीएसटी नहीं जो भी लगेगा एक्साइज वैट स्ट्रेट लगाएगी समझ में आया टोबैको टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी भी है एक्साइज भी लगेगा एक्साइज एक अब आपसे एक सवाल वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक मुझे ये बताओ कि एक्साइज कौन से इवेंट पे लगता है सेल या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर पर लगता है तो एक हम डायग्राम डिजाइन करते हैं नीचे एक डायग्राम डिजाइन किया मैंने ओके ध्यान से देखना है डायग्राम एक कंपनी है वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी पहचानते हो आप ठीक है एक कंपनी है वो सिगरेट बना रही है टोबैको प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर कर रही है ओके okay, और मैन्युफैक्चर के बाद होलसेलर को बेच रही है और होलसेलर आगे रिटेलर को बेच रहा है आगे बढ़ो बेटा तो अब यहां पे देखो प्राइस ऑफ दिस टोबैको लिखो सभी लोग प्राइस यहाँ पे एक लाख रुपए है उसके ऊपर एक मिनट एक मिनट ये मैन्युफैक्चर हुआ है मैन्युफैक्चर हुआ है तो क्या लग जाएगा बेटा ये मैन्युफैक्चर हुआ है तो एक्साइज लग जाएगा तो एक्साइज ड्यूटी यहां थर्टी परसेंट है एट द रेट थर्टी परसेंट तो कितना हुआ थर्टी थाउजेंड वन लैख थर्टी थाउजेंड वन लैख थर्टी थाउजेंड ठीक है बेटा ओके आज नोट्स कलेक्ट कर लो जिसके पास भी नहीं है क्योंकि कल सॉरी नेक्स्ट सेशन में मुझे लगेगी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं इज इट क्लियर तो इमीजिएट घर नहीं भागना पहले नीचे जाके नोट्स कलेक्ट करना है सबको डन तो अब यहाँ पे वन लैख थर्टी थाउजेंड अब ध्यान से सुनना आगे अब एक्साइज थर्टी परसेंट इसके बाद अब लगेगा जीएसटी जीएसटी स्प्लिट होगा सी और एस अभी टोबैको पे ट्वेंटी एट परसेंट का जीएसटी है हाँ। कितना ट्वेंटी एट परसेंट का तो नौ सी क्या रेट पे लगा फोर्टीन परसेंट और एस क्या रेट पे लगा फोर्टीन परसेंट अरे ये समझा क्या हाँ। तो अब यहां पे बताओ एक मिनट अब एक मिनट दो रुकना यहां पर ये 14% बेस प्राइस का होगा या एक्साइज ऐड करके होगा yeah. एक्साइज ऐड कर yeah. एक्साइज ऐड करके होगा yeah. अरे है ना सर रीजन रीजन आगे सेक्शन 15 में क्लियर yeah. बस अभी इतना ही समझना एक्साइज। थाउजेंड टू हंड्रेड तो ये हुआ एटीन थाउजेंड क्या टू हंड्रेड और एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है यहां लग गया अब ये बंदे ने परचेस कर लिया अच्छा ये अब होलसेलर ने परचेस किया तो क्या क्या लग कर आया है उसको कौन से कौन से टैक्स कर आया है एक्साइज सी एस टी और एस और ये सप्लायर जो है मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर एक्साइज डिपार्टमेंट को यानी एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट ये समझ में आया क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और जीएसटीएन पोर्टल कुछ याद है आपको जीएसटीएन पोर्टल तो एक्साइज इधर दे देगा पे, पे करेगा तो ये एक एक्साइज कितना पे करेगा थर्टी थाउजेंड सेंट्रल गवर्नमेंट को और जीएसटीएन पोर्टल पे सी जीएसटी कितना, देगा? 18, 200, और कितना? 18, ये पे कर देगा एंड बर्डन क्या पास हो अंडरस्टैंड चलो अब होलसेलर होलसेलर ये सिगरेट को आगे दो लाख में बेच रहा है प्राइस है दो लाख प्राइस क्या बेटा दो लाख रुपए हाँ, क्या ये होलसेलर एक्साइज लगाएगा हाँ अरे टोबैको पे एक्साइज लगती है नहीं। और एक तभी लगती है जब वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर क्या इसने कोई प्रोडक्शन किया नहीं मैन्युफैक्चर किया नहीं अच्छा टैक्स लगता है क्या नहीं, नहीं। वैट लगता है क्या नहीं स्ली क्या लगता है एक्साइज एक्साइज एक एंड जीएसटी तो बताओ नेक्स्ट वाला बंदा क्या लगाएगा ओनली जीएसटी लगाएगा ओके तो यहां पर सी 14 परसेंट और एस जी एस टी एट द रेट क्या 14 परसेंट बताओ कितना आ रहा है ट्वेंटी और ये हुआ 28,000 ओके okay. 28,000 28,000 चलो आपसे कुछ सवाल यहां पे एक बार फिर से हो जाए टोबैको पे एक साइज है जीएसटी है पर वैट सीएसटी नहीं है वैट सीएसटी नहीं है ठीक है अल्कोहल पे कोई टैक्स नहीं है जीएसटी नहीं है बाकी एग्जिस्टिंग टैक्सेस है और पांच एटम्स पे पांच एटम्स में एग्जिस्टिंग टैक्सेस है पर जीएसटी नहीं है पर वो उस दिन जीएसटी में आएंगे जिस दिन जीएसटी काउंसिल क्या रेकमेंड करे इज इट क्लियर चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते एक और टैक्स के बारे में स्पेशल डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर पिछला लास्ट एग्जाम में मई 2019 में एक मार्क का क्वेश्चन था और एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या था टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट्स एंड एम्यूजमेंट जो भी एंटरटेनमेंट जैसे मूवी सिनेमा ड्रामा बैले या डांस प्रोग्राम सर्कस जो भी एंटरटेनमेंट इवेंट्स होते हैं okay, <coughs> इमेज़ी का पार्क वगैरह तो इनके ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है क्या लगता है <coughs> अगर आपने लास्ट कुछ घर डिस्कशन हमने जो किया घर पे पड़ा होगा तो 17 टैक्सेस में मर्ज कर दिया था मर्ज किया मतलब क्या मर्ज किया मतलब अब वो टैक्स अलग से नहीं लगेगा अगर जीएसटी लग रहा है कम ऑन क्या कहा मैंने जीएसटी लग रहा है तो उसमें वो सब आ गया अब अलग से नहीं लगेगा डिड यू अंडरस्टैंड तो लेकिन इंडिया में दो लेवल पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है एक स्टेट लेवल का और एक लोकल बॉडी का आई रिपीट दो एंटरटेनमेंट टैक्स लगते हैं एक क्या स्टेट गवर्नमेंट का और एक लोकल बॉडी का तो उन्होंने सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही एंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज किया है मर्ज किया मतलब जीएसटी में मतलब जो लोकल बॉडी लगाती है लोकल बॉडी मतलब कौन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो एंटरटेनमेंट टैक्स मर्ज नहीं किया वो नहीं किया हुआ है ओके okay, तो ये ख्याल रखना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो साइड में एक चार्ट बनाओ साइड में स्टूडेंट नोट में एक चार्ट बनाओ एंटरटेनमेंट टैक्स टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट मेक टू पार्ट्स लिविड बाय स्टेट एंड हियर आर बाय लोकल बॉडी लिविड बाय स्टेट में डाउन रोरो इट इज मर्ज इन जीएसटी Merge in GST, hence not separately taxable. Hence not separately taxable. Merge in GST and hence not separately taxable. Local body. Entertainment tax by local body, downward arrow. Likha. It is not merge in GST. It is not merged in GST. Hence, it is taxable separately. Hence, it is taxable separately in addition to GST. हेंस इट इज टैक्सीबल सेपरेटली इन एडिशन टू कैबेटा जी एस डन तो एग्जाम में बराबर देखना कौन सा एंटरटेनमेंट है स्टेट का है ये लोकल बॉडीज का ठीक है तो अब आते हैं आर्टिकल 269 ए मुझे बताओ व्हाट इज द सोर्स एंट्री फॉर जीएसटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेरी गुड वेरी गुड कौन सा टू ए दैट इज द सोर्स एंट्री फॉर लेवी ऑफ जी और एक आर्टिकल है 269 सिक्सटी ये है पढ़ता हूं लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द कोर्स ऑफ क्या लिखा है बेटा यहां पे इंटरेस्ट रेट बताओ कौन सा टैक्स लगता है इंटरेस्ट रेट आई जी एस टी यहां लिख दो आई जी एस टी ये आई के लेवी का डिटेल है ठीक है अब वो देखो क्या कहते हैं ऑन सप्लाइज इन द कोर्स ऑफ देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाइज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स अंडरलाइन बेटा अंडरलाइन करो क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ते हो तो लगता है पढ़ा हुआ है ठीक <laughs> है ब्लैंक रह गया तो लगता है कि भाई पढ़ा कि नहीं पढ़ा डाउट आता है तो यहां पे अंडरलाइन करना जरूरी है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शाल बी लिविड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही सिंपल और लेमेन लैंग्वेज में सवाल पूछता हूं जब भी इंटरस्टेट सप्लाई होगा तो उस पर इंटरस्टेट सप्लाई पे कौन सा टैक्स आएगा आईजीएसटी। तो वो IGST कौन लेवी और कलेक्ट करेगा ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है लेवी भी सेंट्रली करेगा और कलेक्शन भी सेंट्रली करेगा ठीक है एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट हां लेकिन कलेक्ट हो जाने के बाद ओके कलेक्ट हो जाने के uh -huh. बाद ओके okay, इसको अपोर्शन किया जाएगा किसके बीच में सेंट्रल और स्टेट तो अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर एस मे बी प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल यस योर नेम सैंडी अने संदीप संदीप मैं एक बात कहता हूँ अगर सी ए में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब ये तेरे लिए नहीं सबके लिए नॉट स्पेसिफिकली कि मैं तुझे कोई टारगेट करके बोल रहा हूँ लेकिन अभी आप फाउंडेशन क्लियर होके आए हो मुझे ऑनेस्टली बताओ कौन ये चाहता है कि मेरा यार फर्स्ट अटेम्प में इंटर और फाइनल क्लियर होना चाहिए ऑब्वियसली सभी चाहेंगे ऑब्वियसली सभी नहीं सभी चाहेंगे कुछ एक्सेप्शन हो गए पहला घास देवाचा <laughs> इसमें आप ये ये मेंटालिटी में हो गए होता था ऐसा मैं 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 बताता हूँ ना नाइनटीन की बात है जब मैं सी फाउंडेशन में एडमिशन लिया था तो जो मेरा नेटिव प्लेस अमरावती था तो यहाँ पे तब हम देखते थे कि अच्छा सी तब ऐसा माहौल था कि बहुत टफ़ है जल्दी नहीं निकलता है हमारे जो सीनियर होते थे ओके बाल जाने के बाद सी बन रहे हैं ऐसा हमने देखा तो नहीं अभी तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं और इतना टफ भी नहीं है ओके लेकिन हाँ तब ऐसा मेंटेलिटी था तो तब हम सेल्फ वहाँ क्या क्लासेस सीए के अकाउंट्स के जो बी कॉम में पढ़ा रहा है वही पढ़ा रहा है हमको फाउंडेशन ऐसे कोई स्पेसिफिक क्लासेस नहीं थे मुझे याद है मैंने फाउंडेशन में सिर्फ अकाउंट का क्लास लोकल लेवल पे किया था और लॉ वगैरह खुद पढ़ा था तो फाउंडेशन पे तो मैं आपको ये बता दूँ तो, तो तब ऐसा था कि ठीक है ना पहला ही अटेम्प्ट ना पहला घास <laughs> <laughs> तो यानी पहला कौर भगवान का तो बेटा ये मेंटेलिटी से बैठे हो फिर तो आपकी मर्जी पर मैं आपको कहता हूं कुछ चीजें अगर तू सच में जाता है कि तू फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होना है तो तुझे कुछ चीजें इमेज स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी तुझे नहीं सबको पहली बात तो जब भी फैकल्टी रीड करती है तुम्हारी जब भी कोई पढ़ाता है ना तो तुम्हारी डिपेंडेंसी 90 परसेंट फैकल्टी पे हो जाती है और 10 परसेंट तुम्हारा फोकस होता है ठीक है दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप पढ़ने बैठते हो ध्यान से देखना ये प्रोसेस जरूर एनालाइज़ करना अगर ये प्रोसेस होती है कि नहीं होती सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए मानना नहीं ना आपके पास रियली होती है कि नहीं होती है ज़रूर देखना अब क्या होता है कि जब मैं रीड करता हूँ पहली बार तब तो आपका बिल्कुल ध्यान नहीं होता है क्योंकि आप वेट करते हो कि फैकल्टी सिंपल वर्ड में समझाएगी कोई यहाँ पे डांस वांस करके समझाएगी या फिर कोई एग्जाम्पल दे समझाएगी या फिर यहाँ पे यानी डिपेंडेंसी देखो अपनी अपनी डिपेंडेंसी तो यहां पे जैसे ही कोई मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ मैं देखता हूं बच्चों को जैसे ही मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता है सेकेंड स्टेप ध्यान से सुनना सेकेंड स्टेप जब फैकल्टी आपको फिर वो एक, -एक वर्ड लेके समझा रही है तब कहीं तो भी ये हंड्रेड परसेंट स्टूडेंट में से सिक्सटी परसेंट स्टूडेंट का ध्यान जाता है कुछ तो अपनी टेंशन में होते हैं कि आज उसने देखा ही ओके okay, वो अपने ही टेंशन में होते हैं ठीक है पर मैं यहां सिक्सटी परसेंट स्टूडेंट्स की बात करूंगा कि उनका ध्यान जाता है कि चलो भाई वर्ड्स पे फिर तीसरी स्टेप में वो अपनी कनेक्टिविटी लगाता है कि हाँ ये ऐसा है फिर फिर चौथी स्टेप में ओके कई जा वर्ड्स पे होल्ड आता है और पांचवा जब वो वापस फैकल्टी रीड करती है तो तब कुछ तुम्हारी थोड़ी बहुत ग्रीप आती है वर्ड्स <coughs> पे स्टेटमेंट पे लैंग्वेज के कंस्ट्रक्शन पे थोड़ी बहुत ग्रीप आती है पर ये बहुत थोड़ी आती है यानी मैं कहूँ क्या हमने पढ़ाने के बाद तुम्हारी जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन है ये लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन पे दस परसेंट तुम क्लास में से लेके जाते हो कि भाई ये हाँ वो ऐसा है क्योंकि मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने पढ़ा दिया प्यारा हो गया और मैं कहूँ कि लिखो वापस किसी को लिखते नहीं आएगा किसी को लिखते नहीं आएगा हाँ वो अपने मन से कुछ लिख देगा जितना समझा पर किसी को लिखते नहीं आएगा लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी ये लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन ये प्रेजेंटेशन ये सब चीजें आपको खुद डेवलप करना है इसलिए क्लास पे कोई भी क्लास पे डिपेंड मत रहो हमारा एज अ टीचर बस इतना ही रोल है कि सब्जेक्ट को इजी करके देना आपको समझने लायक करके देना पर तुम क्लास कर रहे हो मतलब मैं कर रहा हूं तुम्हारे स्टडी का आप रियल सेंस में कितनी भी एड को कोई भी मार्केटिंग करो कुछ भी करे यार मुझे पता है okay, कितना भी कहे आपको कि नो नीड टू रीड ओके लेकिन मैं अपने नहीं, नहीं मैं, मैं किसी को यह नहीं कह रहा मैं ऑनेस्टली आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूं बेटा आप यहां से मेरे समझाने के बाद और मुझे किसी को कोई टारगेट भी नहीं करना है पर मैं जो मैं फील करता हूं देखो आप अपने ये चीजें फील करते हो कि नहीं करते ये एनालाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ठीक है एक मैं आपको और मैं आपको सबको बोल देता हूं गुरु और सिलेबस टीचर दोनों में बहुत फर्क है हम सिलेबस टीचर हैं हम एक प्रोफेशन चला रहे हैं हम एक सिलेबस टीचर हैं हम आपको बस इतना ये करेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट आपको बहुत इजी करके देंगे बहुत इजी करके देंगे जो आपके लाइफ में आपको हेल्प हो मैं क्या कह रहा हूं समझ में आया ना तो इन सिंपल वर्ड मैं आपको यह कहना चाहता हूं और नो no डाउट बेटा ओके okay, मैं आपका गुरु तो उसी दिन बन जाऊंगा जब जिस दिन आप मेरे पास आओगे मेरे साथ अपने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे मेरे साथ मेरे से कुछ लाइफ में मोटिवेट करके लेके मोटिवेशन लेके जाओगे मे वी पर्सनली मे वी टुगेदर अभी तो हम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस को सिंपल इजी वे में समझा रहे हैं हाँ पर मैं आपके लाइफ में कुछ ऐसा कर दूँ कि जिससे तुम्हारी लाइफ टर्न ले, ले उस दिन मैं गुरु बना जब तुम्हारे लाइफ में सक्सेस मिल जाए तुम मोटिवेट हो जाओ मैं नहीं यहां सभी फैकल्टीज हुई स्मार्ट की तो मैं आपको चलो ये पॉइंट डिस्कशन डाइवर्ट हो गया पर मैं आपको इतना ही कहूंगा यहां से जाने के बाद अगर सेम डे आपने नहीं पढ़ा तो आप ना लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कर पाओगे और दो तीन दिन का गैप हुआ तो आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाओगे तो आइदर यहां से जाने के बाद कम से कम पढ़ना है पढ़ना तो पड़ेगा तो बेटा तुझे एक बात बता दो संदीप जब मैं टेक्स्ट रीड कर रहा हूं ना तो तेरा ओके okay, फोकस इतना होना चाहिए कि अगर मुझे कंसेप्ट समझ गया और दोबारा टेक्स्ट रीड कर रहा हूं तो अब ये टेक्स्ट यहीं के ही लर्न हो जाना चाहिए इतना फोकस चाहिए तो मैं तुझे गारंटी देता हूं संदीप या सबको मैं यहां कह रहा हूं कि घर पे कम से कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और एक बार देखो दूसरा इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है सब्जेक्ट में मैं आपको यह भी बता देता हूं इंटरेस्ट सब्जेक्ट में इस तरह से बढ़ता है कि आपको पिछला याद है तो सामने का जल्दी समझ में आता है और सामने का जल्दी है, तो और और इतने, इतने सब्जेक्ट तो का इंटरेस्ट बढ़ जाता है और एक चीज पे आप अटक गए देखना कभी एक चीज पे आप अटक गए और वो समझ में नहीं आ रही है या आप एक दो दिन अपसेंट रहे और चीजें एक दो दिन अपसेंट रहा तो सबसे पहले आप लिंक टूट गई लिंक टूट गई तो आगे का समझते हुए भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि समझ रहा है क्या तो इन सिंपल वर्ड मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अगर मैं बिना बात किए और यहां घर पे अगर कम से कम पढ़ना है घर पे अगर बहुत अच्छे से आपको टाइम मैनेज करना है तो अगर मैं दस मिनट लेट आ रहा हूं या फैकल्टी लेट आ रही है या बीच में आपको दस पंद्रह मिनट का गैप मिल रहा है बिल्कुल वेस्ट मत करना अगर आप मैं बोला हुआ आप फॉलो करोगे ना बेटा तो आप 100% परसेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गए टाइम चुरा लेना क्योंकि धीरे अभी तो स्टार्ट हुआ है पंद्रह बीस दिन हुआ है धीरे धीरे आपको फील हो जाएगा टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। टाइम नहीं मिलता है। इसलिए जितना टाइम चुरा लोगे उतना आप घर पे रिलैक्स जाओगे ठीक है तो मैं ये चाहोगा कि अगर मैं एक बार कंसेप्ट समझाने के बाद रीड कर रहा हूं तो मेरे से ज्यादा आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए और इतना फोकस होना चाहिए कि आपका लर्न हो जाना चाहिए एक बार वो लैंग्वेज पे होल्ड आ जाना चाहिए तो मैं इतना फोकस चाहता हूँ डिपेंडेंसी मेरे पे नहीं चाहता ना रीड करने की मेरे से सिर्फ तू इतना एक्सपेक्ट कर लेना या यहाँ सभी इतना है कि मैं सब्जेक्ट को बहुत ईजी करके दूंगा बैकग्राउंड बताओगा ऐसा क्यों हुआ था ये बताओगा गवर्नमेंट ने क्या सोचा ये बताओगा इससे क्या प्रॉब्लम्स आए केस स्टडीज़ लूँगा केस स्टडी में लोग कैसे प्लानिंग करते थे बहुत सी कंपनीज कैसे प्लानिंग करती थी कैसे टैक्स बचाएगा ये मेरे से ज़रूर एक्सपेक्ट करना क्योंकि ये मैं मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ एग्जाम के लिए तुझे तुझे ही करना पड़ेगा उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते इट क्लियर तो यहां अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे साथ आप पढ़ इस तरह से पढ़िएगा कि उसी वक्त याद हो जाना चाहिए इतना आपका फोकस चाहिए ठीक है तो नाउ नेक्स्ट यहां पे पॉइंट्स भी बनने चाहिए जैसा अभी तू मेरे साथ पढ़ रहा तेरा तेरा काम मेरे के साथ अगर तू अपनी स्पीड मैच करेगा मेरे से ज्यादा लगेगा ना तो तू देख बहुत मजा आएगा यानी यहां पे ओके जैसे ही मैंने खत्म किया आर्टिकल 269 है ये आईजीएसटी का पावर देता है लेवी करने का पावर देता है ये इसका कलेक्शन गवर्नमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और शेयर अपोर्शन होगा बात खत्म तेरे दिमाग ने पॉइंट्स बनाना चालू कर दिया और ये जितनी प्रैक्टिस करोगे ना पॉइंट्स बनाने की ये कोर्स में बहुत काम आएगा बहुत क्योंकि एक चीज आप सभी समझ लो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि रीड द थिंग मेमोराइज द थिंग एंड राइट द थिंग दूसरा कोई ऑप्शन नहीं आप कितने भी टैलेंटेड हो घर पे बैठो कितनी भी अच्छी ग्रास्पिंग हो घर पे बैठो जिसको ये टेक्निक आ गई कि कैसे मेमोराइज करना कैसे पॉइंट फिक्स करना कैसे लिखना उसके लिए सीए कोई बड़ी बात नहीं और जिसने आज तक ये सिखाई ही नहीं कि कैसे वर्ड्स को स्प्लिट करना कैसे पॉइंट्स बनाना उसके लिए मैं अभी से कह देता हूं सीए बहुत हार्ड है इसलिए ये स्पीड आपको मैच करनी पड़ेगी मेरे साथ कि मैंने खत्म किया मैंने आर्टिकल 246 से खत्म किया तो आपके माइंड ने दो मिनट के अंदर अंदर माइंड प्रोसेसिंग बना ले लीजिए आर्टिकल 246 फोर्टी से दोनों मिलके लॉ बनाएगी पार्लियामेंट एंड स्टेट और जीएसटी पे टैक्स लगाया जाएगा ओके और इंटर स्टेट पे एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट लगाएगी ओके और कुछ एटम्स पे जो है पांच एटम्स पे जीएसटी उस दिन आएगा जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करे अब देखिए दो पेज तो पांच मिनट में रिवाइज कर सकता है ये हो गया हाँ अल्कोहल अल्कोहल पे टैक्स लगाने का पावर ओनली स्टेट के पास वो जीएसटी में नहीं है पे भी लगेगा जीएसटी लगेगा पर वैट और सीएसटी नहीं बात खत्म वो इतनी बड़ी बड़ी बुक सब बाजू में ये तुझे डेवलप करना पड़ेगा ये मैं इसको पॉइंट आउट नहीं मैं सबको पॉइंट आउट कर रहा हूं यह आपको डेवलप करना पड़ेगा कि जैसे मैंने खत्म किया या विजय सर ने खत्म किया अगर यहाँ विजय सर कोई इनकम के बारे में बता रहे फिर लीगल हो इलीगल इनकम हो या पर्सनल इनकम हो ये हो वो हो आपके माइंड ने प्रोसेसिंग चालू कर देनी चाहिए यहाँ दर्शन सर बता रहे प्रोसेसिंग चालू कर देनी चाहिए इवन आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो अकाउंट पढ़ रहे हो आज क्या प्रॉब्लम्स हुए थे आज प्रॉब्लम में यह एडजस्टमेंट थी वो एडजस्टमेंट थी अगर ऐसा रहा तो मैं ऐसा करूंगा ऐसा रहा तो ऐसा, तो ऐसा करूंगा कॉस्टिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम धीरे धीरे ये जाएगा कि प्रेजेंटेशन मुश्किल जाएगा ओके प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कहाँ से चालू करूँ धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आएगा कि कहां से चालू करो तो माइंड को बार बार रिवाइज करो ओके okay, दूसरी बात मैं इवन यहां पे कि कभी कभी ये कोशिश करना घर पे एक मैं जो कह रहा हूं इतना सा करके देखना कि सॉल्यूशन को देख के क्वेश्चन बनाना जिसने सॉल्यूशन को देख के क्वेश्चन बनाना सीख लिया तो उसको जो हिडन एडजस्टमेंट है वो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएगी कि जो क्वेश्चन बनाता है वो क्वेश्चन के वर्ड्स में हिडन एडजस्टमेंट कैसे रखता है अरे आया ना तो कभी कभी आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो कभी कभी बैकवर्ड भी जाना कि क्वेश्चन नहीं देखना सोल्यूशन देखना और सोल्यूशन में अगर ऐसा किया होगा मतलब क्वेश्चन में इस तरह से वर्ड यूज किए गए क्वेश्चन में ये हिडन एडजस्टमेंट रखी होगी जितना माइंड को ट्रेन करोगे कोर्स बहुत ईजी है और जो स्टूडेंट ने बहुत कैजुअल लेके आए हैं या घर के प्रेशर से आए हैं या लाइफ में कुछ करना चाहिए भाई अब कुछ नहीं हो रहा है किधर एडमिशन नहीं मिल रही है तो चलो सीए करते हैं ये एंगल से जो आया होगा मैं ये कहूँगा कि मुश्किल मैं ये नहीं कहूँगा इम्पॉसिबल है पर मुश्किल है और बेटा अगर लिए होना कोई भी रीज़न से लिए हो तो एक बार का अच्छे से ख़त्म करो यार लाइफ के तीन साल अगले पचास साल आपके बेस्ट कर देगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आई जाएगी लाइफ की अगले पचास साल एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मिल ही जाएगी आपको ये तो हो ही जाएगा कि यार पचास हजार से कम तो नहीं मिलेगा या इनिशियल एक साल तीस पैंतीस हजार हो सकता है पर आपको एक साल बाद हंड्रेड परसेंट पचास हजार के ऊपर मिलेगा फिर जित, इसके आगे तो जितनी आपकी कमाने की ताकत हो वो विजय सर कहते हैं ना कैलकुलेटर लेके मत बैठना <laughs> तो यहाँ इन सिंपल वर्ड में जितनी आपकी कमाने की ताकत है तो इन सिंपल वर्ड मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लास्ट हम हमारे पॉइंट पे आते हैं अब मैं अब बात करने लगा तो एक घंटा चले जाएगा पर हम हमारे पॉइंट पे आते हैं और यहाँ पे कि मैं अगर रीड कर रहा हूँ तो तेरा टारगेट या सबका टारगेट ये होना चाहिए कि अभी के अभी, अभी पॉइंट्स बनने चाहिए समरी बननी चाहिए और लर्न हो जाना चाहिए ठीक है तो so नाउ यहां पे देखो इंटर uh, स्टेट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा और वो क्या करेगा बेटा अपोर्शन करेगा एक एक्सप्लेनेशन देखो यहां पे क्या है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज में सबका ध्यान चाहूंगा फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इन टू टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी डीम टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस द कोर्स ऑफ क्या अंडरलाइन इंपोर्ट अंडरलाइन इंपोर्ट आपको कुछ याद आया इंपोर्ट ट्रांजेक्शन को भी इंटरस्टेट बोला जाएगा अब देखो इसको एक लाइन में भी लिखना एग्जाम में सिर्फ एक लाइन याद रखना कि सप्लाई ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस ट्रीटेड एज इंटरस्टेट ट्रीटेड एज क्या इंटर yes. बात खत्म ठीक है पर वर्ड्स क्लियर आने चाहिए सप्लाईज ऑफ क्या गुड्स और सर्विसेज आपने सिर्फ इतना शॉर्ट लिखा ना तो ये भी समझ में नहीं आता है इंपोर्ट ट्रीटेड एज इंटरस्टेट इम्पोर्ट ऑफ वो सप्लाईज ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेस वुड बी ट्रीटेड क्या इंटरेस्टेड अच्छा मैंने आपको यह भी पढ़ाया एक्सपोर्ट कमऑन क्या एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ नहीं दिया है पर आगे सेक्शन में कवर्ड है कि एक्सपोर्ट भी क्या माना जाता है इंटरेस्टेड यहां इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक्सपोर्ट को जीरो रेट बेनिफिट देना था एक्सपोर्ट को क्या बेटा उनको जीरो रेट बेनिफिट देना था तो इसलिए उनको अलग से कवर किया है पर इंपोर्ट को कवर कर लिए यहाँ पे तो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन उसके बाद में अमाउंट अपोर्शन इन द स्टेट अंडर क्लॉज वन शैल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ क्या इंडिया ओके तो ये जो आई का पैसा आएगा वो आई का पूरा पैसा इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसोलिडेटेड फंड नहीं माना जाएगा उसमें का पचास टका किसको देना पड़ेगा स्टेट को इज इट क्लियर ओके चलो नेक्स्ट बेटा कम ऑन यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको कुछ इनिशियल लेक्चर में आदत लगाता हूँ पॉइंट्स बनाने की और ये पॉइंट्स बनाना हर हर सेशन में थोड़ा मैं तरीका बता देता हूँ कैसे बनाना आर्टिकल टू okay, तो है ओके तो पॉइंट्स आर्टिकल 246 फोर्टी सिक्स ये सोर्स एंट्री थी फॉर जीएसटी 269 सिक्सटी नाइन है किसकी सोर्स एंट्री थी आई जी एस टी ठीक है तो इंटरस्टेट ट्रेड पे कौन सा टैक्स लगेगा आई जी एस टी कलेक्ट कौन करेगा सेंट्रल समझ कले कौन करेगा सेंट्रल लेवी भी कौन करेगा सेंट्रल अपोर्शन किया जाएगा किसके साथ स्टेट के साथ और इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन भी इंटर स्टेट माने जाएगा इज इट क्लियर ओके चलिए आर्टिकल 366 डेफिनेशन ऑफ जीएसटी जीएसटी की डेफिनेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मेरे साथ सभी पढ़िएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और वो एक्सेप्ट टैक्सेस फॉर ह्यूमन इन किसी भी लॉ में जब भी वर्ड जीएसटी आएगा तो जीएसटी का मतलब ऐसा टैक्स जो सभी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है एक्सेप्ट सिर्फ अल्कोहल नहीं पूरा वर्ड लिखना एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज इट क्लियर उसके बाद में सर्विसेस एज़ पर न्यू आर्टिकल थ्री सिक्सटी ट्वेंटी ए सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स ओके ये थोड़ा डेफिनेशन में बाद में लूंगा सर्विसेज की इसके ऊपर कंप्लीट एक लेक्चर है डिस्कशन हम करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज अब इसे भी अंडरलाइन करो और एज पर न्यू आर्टिकल आर्टिकल 366 सिक्सटी सिक्स ट्वेंटी बी स्टेट विथ रेफरेंस आर्टिकल टू फोर्टी सिक्स एक्सटी एक्सटी नाइन टू सिक्स ए आर्टिकल टू ए इंक्लूड्स क्या यूनियन टेरिटरी विथ अच्छा स्टेट का डेफिनेशन उन्होंने दिया है थोड़ा मैं समझा देता हूं वैसे तो महाराष्ट्र भी यूनियन टेरिटरी है ऐसी टेरिटरी जो एक सिंगल इंडिया के साथ यूनिफाइड हुई है समझ में आया ना महाराष्ट्र भी यूनियन टेरिटरी है पर ऐसा है कि सभी स्टेट है तो यूनियन टेरिटरी इंडिया की टेरिटरी है तो क्या इंडिया के पर जहां स्टेट असेंबली दी है जहां क्या स्टेट असेंबली दी है फिर वो बन जाता है स्टेट और जहां स्टेट असेंबली नहीं।, नहीं दी है क्योंकि वो अगर स्टेट असेंबली नहीं दी है तो सेंट्रल के हाथ में है ये समझ में आया क्या तो जहां स्टेट असेंबली नहीं है तो वो बन जाता है यूटी एक बार फिर से है तो वैसे सभी यूटी पर जहां स्टेट लेजिस्लेचर है मतलब असेंबली है वो बन गया स्टेट और जहां स्टेट असेंबली नहीं है वो बन गया यूनियन टेरिटरी ये बात समझ में अब मैं वापस एक बार पढ़ता हूं देखो समझा हुआ स्टेट रेफरेंस टू 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 आर्टिकल आर्टिकल एंड विध इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी विथ क्या लेजिस्लेचर लेर लेजिस्लेचर मतलब देखो आप पिछले दस मिनट में फील कर रहे हो जैसे ही मैंने आपका फोकस बढ़ाया वैसा आपको याद रहने लगेगा और ये आपको सुबह सात बजे से शाम को चार बजे तक इतना मेंटेन करना है ये समझ में आया ना जितना मेंटेन करोगे बेटा मैं लिख कर देता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के अपने चांसेस बढ़ाओगे ठीक है और जिसने ये सीख लिया कि कास में ही पढ़ाई कर लेना वो तो बेटा फिर रियली एंजॉय करेगा ठीक है और जिसने ये रखा कि क्लास पे डिपेंडेंसी यहां बहुत से स्टूडेंट हो गए कि यार क्लास में हो गया बात खत्म कुछ रिविजन नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हो गया आ गए चार बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं वो स्टूडेंट घर पे एक वर्ड ना पड़े कोई दिक्कत नहीं फिर वो स्टूडेंट ने इतना डिटर्मिनेशन रखना चाहिए कि क्लास का क्लास में पर कर रहे हो तो पूरा अच्छे से करो ठीक है उसके बाद में अब यहां पे स्टेट जो दिए हैं यूनियन टेरेटरी ओके उसके बाद में यहाँ थोड़ा मैं ये जो है इसको बाद में लूँगा ये कंसेप्ट को आर्टिकल 279 सेवेंटी नाइन है जी काउंसिल इसको भी बाद में लेता हूँ अब एक लास्ट डिस्कशन पे आते हैं। ये थोड़ा थेरोटिकल डिस्कशन में बाद में लेता हूँ एक कंसेप्ट पे आते हैं ये एक डायग्राम पे आ जाओ वो बाकी थेरी में बाद में लेता हूं जीएसटी कौन सेल एन एक्सेट्रा एक कंसेप्ट ट्रांजेक्शन विदाउट वैट और ट्रांजेक्शन विद वैट ये विदाउट वैट मतलब सेल्स टैक्स ओके मैं आपको बताता सेल्स टैक्स वैट में कब बदला इंडिया में 2004 तक सेल्स टैक्स वर्ड था कब तक बेटा 2004 तक और 2004 में जैसे ही मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आई ये मत समझना कि जीएसटी ओनली अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट मिस्टर मोदी नहीं ये अगर मैं सच कहूँ तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था डॉक्टर मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह जी ये मैं आपको ये ऑनेस्टली कहता हूँ जहाँ तक मैं जितना पढ़ता हूँ ये बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे हाँ बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे कि नहीं वो नहीं पता और बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे ठीक है क्योंकि आज मोदी जी भी बहुत सी बार एडवाइस लेते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ओके इनसे इकोनॉमिकल रिफॉर्म के बारे में वो बात अलग है कि भाई पार्टी अलग अलग है डिड यू अंडरस्टैंड तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 2004 में फोर के पहले सेल्स टैक्स था और फिर बाद में क्या वह टाइम स्ट्रक्चर देखो क्या स्ट्रक्चर ये था बेटा सेल्स टैक्स में समझ लो यहाँ पे ओके शेला लिमिटेड जीत लिमिटेड एंड कस्टमर ओके तो यहाँ पे ये जो है प्राइस एक लाख रुपए चार्ज कर रहा है एक लाख रुपए चार्ज कर रहा है थोड़ा कंसेप्ट की तरफ ध्यान देना और पहले सेल्स टैक्स लगता था पहले क्या लगता था बेटा सेल्स टैक्स एट द रेट क्या टेन परसेंट समझ लो तो कितना हो गया वन लाख का टेन थाउजेंड टोटल प्राइस कितनी हुई एक लाख दस हजार एक लाख दस अच्छा गवर्नमेंट को कितना पे हो गया दस हजार पे हो गया ठीक है अब ध्यान से सुनना अब जीत लिमिटेड क्या करता था उसकी परचेस प्राइस कितनी ट्रीट करता था एक लाख दस हजार एक लाख दस हजार उसकी परचेज प्राइस वो आगे वैल्यू एडिशन जीत लिमिटेड का वैल्यू एडिशन लिखते जाओ मेरे साथ टाइम बचेगा जीत लिमिटेड का वैल्यू एडिशन पचास हजार तो वो उसकी सेल प्राइस होती थी एक लाख साठ हजार और उसके ऊपर सेल्स टैक्स एट अच्छा। द रेट टेन परसेंट यानी सिक्सटीन थाउजेंड तो वन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड वन लैख क्या बेटा सेवेंटी सिक्स थाउजेंड ठीक है अब ये फिर अगर आपको याद होगा तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर होलसेलर से रिटेलर रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर ऐसी चेन थी पूरी इसमें क्या हो रहा था कि ये जो एक लाख साठ हजार रुपए ध्यान से सुनिएगा एक लाख साठ हजार में दस हजार इंक्लूडेड थे अरे है ना तो वो जो दस हजार उसमें इंक्लूडेड थे वो दस हजार रुपए तो ऑलरेडी मतलब गवर्नमेंट ने दस हजार तो ले लिए थे और उस पर भी टैक्स ले रही है अरे है ना ये एक बात थी यानी इसको हम कहते थे टैक्स ऑन टैक्स टैक्स ऑन टैक्स इसको एक वर्ड और था क्या कैस्केडिंग इफेक्ट कैस्केडिंग इफेक्ट सबको क्लियर समझ में आ रहा है ठीक है इसमें कुछ याद नहीं रखना इसको समझना है आगे के कंसेप्ट के लिए ठीक है तो अब बेटा ध्यान से सुनो यहां पे दस हजार रुपए चलो दूसरी बात क्या बता हूं मुझे यह बताओ जब शैला लिमिटेड है उसने प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू रखी थी एक लाख और जीतने क्या पचास हजार वैल्यू एडिशन किया था ठीक है तो बहुत सी कंट्री इस बात पे चलती थी इंडिया नहीं चलता था पहले पर यूरोप में एशिया में कुछ ऐसी कंट्री थी उनका यह कहना था कि दूसरे वाले बंदे ने जो वैल्यू एडिशन किया है पचास हजार ही किया है अरे है ना तो अगर उसने पचास हजार किया है, तो इसके आगे गवर्नमेंट ने जो टैक्स लेना चाहिए वो एक लाख पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि एक लाख पे तो ऑलरेडी ले चुकी है समझ में आया एक लाख पे ऑलरेडी ले चुकी है तो सामने वाले ने पचास हजार का एडिशन किया तो हमने सामने वाले बंदे से टैक्स जो लेना चाहिए उसने जो वैल्यू एडिशन किया उस पर ही लेना चाहिए अब अगर हम एक लाख साठ हजार का टैक्स निकाले बात समझ में आया क्या तो एक लाख टैक्स एक लाख साठ हजार में हम क्या कर रहे है, पता है क्या ओरिजिनल एक लाख का भी टैक्स लगा रहे हैं उसके पचास हजार का भी टैक्स लगा रहे हैं और उसके टैक्स का टैक्स भी लगा रहे रहेरिजिनल एक लाख ओरिजिनल ,00, लाख का दोबारा टैक्स पे हो रहा है इज इट क्लियर प्लस उसके वैल्यू एडिशन का उसके वैल्यू एडिशन का हमें दिक्कत नहीं उसने वैल्यू एडिशन कितना किया था पचास हजार और वैल्यू एडिशन मतलब उसने प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया वैल्यू एडिशन इन फाइनेंशियल टर्म उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन समझ में आया ना तो उसने पचास हजार रुपए लगना चाहिए और इमेजिन करो ये तो सिर्फ दो हैंड शिफ्ट बनती है क्या चेन मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर होलसेलर टू रिटेलर रिटेलर टू अल्टीमेट तो वो ओरिजिनल एक हजार रुपए जो है कुछ ज्यादा है ओरिजिनल एक हजार उसके वो एक हजार तो बार बार सब में इंक्लूडेड समझाने वो ओरिजिनल एक हजार गवर्नमेंट बार बार टैक्स ले रही है तो फंडा ये था कि इसने जितना वैल्यू एडिशन किया पहले बात से सभी है। और कंट्रीज ने सबने, सबने सिर्फ वैल्यू एडिशन सिस्टम एक्सेप्ट किया फंडा बहुत क्लियर था कि इसने जितना ऐड किया है उतने पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाओ इज इट क्लियर अब इंडिया ने डिसाइड किया कि चलो 2004 में समझ में आया क्या फ्रांस ने 1951 में वैट सिस्टम एक्सेप्ट किया कब? 1951 पहला पहला कंट्री था वैट सिस्टम और इंडिया में 2004 में ठीक है तो अब वैट सिस्टम तो इंडिया इसमें क्या होता था मैं बताता हूं वैट सिस्टम आने के बाद क्या प्रॉब्लम होता था पहले तो आप समझ गए कैश करेंगे इफेक्ट ठीक है अब कैश्डिंग इफेक्ट में गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा होता था क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स और एक ही वैल्यू पे डबल टैक्स यानी गवर्नमेंट दस हजार इससे ले रही है और सोलह हजार इससे ले रही है कितना हो रहा छब्बीस हजार गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना हुआ छब्बीस हजार पर इमेजिन करो थोड़ा मैं प्रॉब्लम को टर्न करता हूँ मैं सबका ध्यान चाहूंगा प्रॉब्लम को टर्न करता हूँ इससे एक लाख पे ले रही है एक लाख पे कितना दस हजार और इसके वैल्यू एडिशन पे ही ले रही है इसके वैल्यू एडिशन पे कितना पाँच हजार रेट टेन परसेंट है ना दस पास पांच कितना पंद्रह कहां छब्बीस और कहा पंद्रह लॉस है इसलिए इंडियन स्टेट गवर्नमेंट रेडी नहीं थी क्योंकि वैट आया कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ मेरी बात समझे क्या? ठीक है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ पर अगर अदर साइड से देखा जाए तो ये गलत है एक ही अमाउंट पे बार बार टैक्स कलेक्ट नहीं होना चाहिए ये गलत है तुम लूट रहे हो टैक्स के नाम पे लूट रहे इज इट क्लियर तो फिर और इससे क्या हो जाएगा अन्य सबसे ग्यारह हजार से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई ah. अब इकोनॉमिकल इफेक्ट देखो अब आप चाहते हो तो मतलब इकोनॉमिक ग्यारह हजार से प्रोडक्ट की प्राइस यानी ब... जो प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए थी ओके okay, ,00, एक लाख प्लस दस हजार प्लस पांच हजार यानी एक लाख पंद्रह हजार वह प्रोडक्ट की प्राइस एक लाख नहीं सॉरी 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 एडिशन पचास हजार यानी कितना एक लाख 65000 और प्रोडक्ट की प्राइस चलेगी 176000 ,00, ये तो मैं 10% ही ले रहा हूं अगर 30% का एक साइज है वैट है बाकी टैक्सेस है तो इमेजिन करो कहीं के कहीं चले जाएगा क्या हो जाता है प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है हां प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड कम अगर डिमांड कम हुई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो जाता है समझ में आया इंडस्ट्री फिर अरे सेल ही नहीं हो रहा है डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे करेगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ ओके तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, आ, और अगर एम्प्लॉयमेंट कम हुआ तो और डिमांड कम होती है कहीं तो भी तुम्हारा जीडीपी डाउन कर देती है आ, तो ऐसे सिचुएशन में बहुत से इकोनॉमिक और जिसमें स्ट्रॉग ये फेवर के थे मिस्टर मनमोहन सिंह ठीक है कि नहीं यहां ओके वो दिखेगा पर उनका यह भी मानना था मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा ओके okay. उनका यह भी मानना था कि इनिशियल स्टेज में गवर्नमेंट लॉस में जाएगी स्टेट गवर्नमेंट लॉस में जाएगी पर ग्रेजुअली गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा मतलब जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी क्वांटिटी अब बिजनेस क्वांटम कौन्त, में हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा सेल बढ़ा सेल बढ़ा क्या सेल्स टैक्स बढ़ा वो भी है दूसरा उनका यह मानना था कि यह डबल टैक्सेशन के वजह से इंडिया में चोरी बहुत हो रही थी टैक्स की समझ में आया क्या तब का सर्वे था कि लगभग जितने प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं उसमें से 60 परसेंट प्रोडक्ट जो है ब्लैक में आ रहे है विदाउट बिल सिक्सटी परसेंट प्रोडक्ट विदाउट बिल सेल हो रहे हैं और 40 परसेंट प्रोडक्ट ही लीगलाइज हो रहे है। अब प्रॉब्लम क्या आपका दिमाग कहेगा फिर सर गवर्नमेंट इनको क्यों नहीं पकड़ सकती थी अगर गवर्नमेंट पकड़ेगी तब जब उनके ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं होंगे। अरे है ना उनके ऑफिसर पैसा लेके बात खत्म गवर्नमेंट की भी करेगी क्या नहीं मैं आपको बता देता कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑफिसर के थ्रू कंट्रोल हो ही नहीं सकता सेल्फ कंट्रोल ही हो सकता है सेल्फ ऑनेस्टी हो सकती है तो कितने भी गवर्नमेंट कह दे कि हम करप्शन खत्म करेंगे करप्शन गवर्नमेंट से कभी नहीं खत्म होगा करप्शन हमारे इथिक्स से कम होगा अरे है ना तो ऐसे सिचुएशन में आपको कह दू कि गवर्नमेंट पहचान चुकी थी कि भाई नहीं पॉसिबल है साठ परसेंट का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे लेकिन यही अगर हम क्रेडिट दे दें समझ में आया क्या क्रेडिट दे एक सिस्टम ही ऐसा बनाए कि हम डबल टैक्स ना लगाए हम क्रेडिट दे दे अरे है ना तो लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे प्रोडक्ट की प्राइजेस कम होगी क्रेडिट मिलने की वजह से वो रिकॉर्ड बताएंगे ट्रांसपेरेंट हो गए ट्रांजेक्शन और हुआ ऐसा जो 60 परसेंट ब्लैक मार्केटिंग मार्केटिंग चल रही थी आज मैं कहता हूं जीएसटी आने के बाद सिर्फ 10 परसेंट ब्लैक मार्केटिंग रह गई है अरे है ना तो जो 50 परसेंट का गैप बढ़ाया ना गवर्नमेंट ने उससे ह्यूज रेवेन्यू बढ़ गया होप यू अंडरस्टूड ये बात समझ में आई तो ऐसे सिचुएशन में चलो अब मैं आपसे पूछता हूं देखो लॉ आप ही डेवलप करोगे ये तो डिसीजन सबने डिसाइड कर लिया क्या ये तो डिसीजन हमने ले लिया क्या कि वैल्यू एडिशन पे आना चाहिए इससे सभी कन्विंस हो कैसे करोगे वैल्यू एडिशन पे आप कहोगे सीधा सीधा क्या पचास हजार का दस परसेंट पचास हजार का दस परसेंट चलो आपके हिसाब से चलता हूं और किसी ने कुछ लिखना मत पचास हजार का मतलब यहां पे हाँ कैसे करूं बिल कैसे बनाऊ बिल कैसे बनाओ एक मिनट एक मिनट बिल कैसे बनाओ एक लाख दस हजार परचेज प्लस पचास हजार वैल्यू एडिशन पांच हजार टैक्स मतलब आप कहोगे एक लाख साठ हजार प्राइस एक आपके हिसाब से चलता हूं प्राइस कितना है एक लाख साठ हजार और टैक्स सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स एट द रेट फाइव परसेंट पचास हजार भी रहेगा यानी क्या सॉरी टेन परसेंट टेन क्या कितना रहेगा पांच हजार ओके पांच हजार ये बिल बनेगा पर आपको लगता है ये बिल में आपका टैक्स प्राइस के साथ मैच कर रहा है अब इसमें गड़बड़ क्या हो जाएगी सामने वाला बंदा इस में क्या हो जाए कस्टमर को पता नहीं कि उसका कितना है मतलब उसकी costing, उसका तो कस्टमर ने कहा मुझे बेवकूफ कोई भी बना सकता है अरे है ना तो कस्टमर ने कहा कि नहीं नहीं तेरी कॉस्टिंग बता तेरा वैल्यू एडिशन बता चल तेरे कॉस्ट रिकॉर्ड बता कितना प्रॉफिट लेता है वो बता अरे समझ में पहली बात तो ये ऑडिट करने मुश्किल है क्यों ऑडिट करना मुश्किल है कहीं कहीं पे भी ये टैली नहीं हो रहा है तुम्हारे प्राइस के साथ मैच नहीं हो रहा है प्राइस के साथ क्यों क्योंकि ये तुम्हारा जो टैक्स लगाने का तरीका है वो वैल्यू एडिशन अब बताओ क्या है दूसरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये वैल्यू एडिशन हर ट्रांजेक्शन की निकालती नहीं आएगी क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्स ट्रांजेक्शन वाइज है मतलब ये ट्रांजेक्शन के वक्त क्या कॉस्ट लग रही है मेरी कुछ फिक्स कॉस्ट होती है कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है अरे बात समझ में आया क्या कुछ फिक्स कॉस्ट होती है कुछ क्या वेरिएबल कॉस्ट होती है हर ट्रांजेक्शन वाइज कैसे निकलेगी अरे और नो ये। और कस्टमर अगर डिटेल मांगेगा तो मेरे पास नहीं है मैं दूंगा भी नहीं मैं क्यों बताऊं मेरी कॉस्ट प्रॉफिट वो तो सब बिजनेस की इंफॉर्मेशन ही डिस्क्लोज हो जाएगी आप समझ रहे हो तो गवर्नमेंट ने कहा कि लगाना तो पचास हजार का ही है पर ये मेथड सही नहीं है फिर क्या करना फिर क्या करना तो अब यस ये, यस गवर्नमेंट ने ये मेथड ली कि हम ये पचास हजार की जगह ऐसा करते हैं पहली बात तो दस हजार का उसको ये क्या टैक्स लग क्या है ठीक है उसको बाजू में रखो उसको बाजू उसकी बेसिक परचेस प्राइस क्या रखेंगे एक लाख उसका वैल्यू एडिशन यानी प्राइस क्या रखेंगे एक लाख पचास हजार ठीक है जीएसटी उसकी प्राइस पे ही लगाएंगे जीएसटी नहीं सेल्स टैक्स टैक्स उसके प्राइस पे बात समझ में लगाएगीट द रेट क्या टेन परसेंट सबको समझ में टेन परसेंट कितना होता है पंद्रह हजार पंद्रह हजार हुआ अब प्राइस के साथ मैच होगा ऑडिट करना भी इजी हुआ कस्टमर को बताना भी हुआ. देखो भाई प्राइस एक लाख पचास हजार उसका दस परसेंट यह इजी हो गया कस्टमर को भी बताना प्राइस का दस परसेंट इज इट क्लियर तो अब लेकिन वो गवर्नमेंट को कितना देगा तो गवर्नमेंट को वो देगा पंद्रह हजार उसका पेबल आया और पांच दस हजार वो ऑलरेडी दे चुका है ऑलरेडी किसको दे चुका है सप्लायर को तो बचा कितना अच्छा पचास हजार का दस परसेंट ये भी कितना देगा पांच हजार ही अरे देगा वो पर डायरेक्ट पचास का दस नहीं फिर उसमें हम गड़बड़ हो जाएगी बनाते वक्त ये समझ में तो इसको हम कहते हैं इनवॉइस मेथड इसको क्या कहते हैं पहले वाले को कहते हैं एडिशन मेथड मतलब जितना ऐड किया उसके ऊपर दस परसेंट वो मेथड इंडिया में फॉलो नहीं हुई इंडिया में ये हुआ कि पहले इनवॉइस बना इनवॉइस वैल्यू पे टैक्स लगा और जितना इनवॉइस वैल्यू पे टैक्स लगाएगा मेरी बात समझे क्या इतना इनवॉइस वैल्यू पे टैक्स लगाएगा माइनस तूने जो परचेस पे ऑलरेडी दे दिया है क्योंकि वो एक लाख का ऑलरेडी दे दिया है किसको दिया है मेरे सप्लायर को उसना सेट ऑफ ले ले तो जो नेट बचेगा वो नेट ही टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन वैट रहेगा यहां से आया सेट ऑफ सेट ऑफ सिंपल वर्ड में मत लेना। इंडिया में पॉलिसी कैसे डिसाइड हुई पॉलिसी ये डिसाइड हुई कि हम टैक्स सिर्फ किसके ऊपर लगाएंगे वैल्यू एडिशन पर वैल्यू एडिशन पर कैसे लगाएंगे तो हम वैल्यू एडिशन में सेट ऑफ मेथड में जाएंगे कौन से मेथड में जाएंगे सेट ऑफ तो हम पर पहली बात तो बताओ दस हजार का सेट ऑफ मिलने वाला है इसलिए मैं वो कॉक्स नहीं पकड़ूंगा क्योंकि वो मुझे एडजस्टमेंट मिलने वाली है अरे है ना इसलिए मेरी परचेस प्राइस कितनी पकड़ूंगा एक लाख समझ में आ रहा है टेक्निकली सबको इधर एक लाख परचेस प्राइस पकड़ूंगा मेरा वैल्यूडिशन कितना पचास हजार कितना हुआ एक लाख पचास हजार उस पर जीएसटी लगा होगा प्राइस के साथ टैक्स मैच करूँगा वो टैक्स मेरा पेबल आएगा तो और वो पेबल जो आएगा माइनस क्या करेक्ट तो यहां आप न, न, दो वर्ड नए पिक्चर में आए कौन से दो वर्ड नए पिक्चर में आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स कम अनु कौन से दो वर्ड आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स नेट टैक्स पेबल ऑनेस्टली बताओ किसको नहीं समझा ऑनेस्टली बताओ कोई गलत नहीं है नहीं समझा समझाओगे बेटा अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है तो दो बातें हो सकती एक तो कुछ भी नहीं समझा ये इतना बहुत अच्छा समझ गया कि कोई डाउट ही नहीं रहा कौन से ऑप्शन में हो सेकंड अच्छा। वाले ऑप्शन में तो ये आपको समझ में आया ये लिख लो ओके okay, यहां पे एक मिनट पहले वाला लिखा क्या आपने नहीं लिखा विदाउट वैट वाला विदाउट वैट वाला विदाउट वैट वाला क्या था एक लाख एक लाख साठ हजार और उसके सेल्स टैक्स अच्छा सेल्स टैक्स एट द रेट क्या बेटा टेन परसेंट तो कितना सिक्सटीन थाउजेंड तो वो हुआ वन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड ठीक है और यूआर ट्रांजेक्शन विदाउट क्या वैट ठीक है लिख दो यहाँ पे दिस ट्रांजेक्शन लीड्स टू कैस्केडिंग इफेक्ट that is tax on tax this transaction lead to cascading effect effect that is tax on tax tax on tax then यही ट्रांजैक्शन अगर वैट के हिसाब अच्छा सेल टैक्स का नाम बदल दिया फिर उन्होंने सेल टैक्स का नाम सेल्स टैक्स रखा या वैट रखा <laughs> क्योंकि अब तुम्हारे सेल प्राइस पे टैक्स नहीं अभी ओनली वैल्यू एडिशन पे टैक्स इज इट क्लियर तो अब वही एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो प्राइस है वन लैख uh, मैं सेल सेक्स जगह वैट लिखूंगा वैट एट द रेट टेन परसेंट कितना टेन थाउजेंड टोटल वन लाख टेन थाउजेंड यहां वैल्यू एडिशन पचास हजार तो आपकी प्राइस हुई एक लाख क्या पचास दस हजार ऐड मत करना क्योंकि उसका सेट ऑफ मिलने वाला है ठीक है और उसके बाद में वैट एट द रेट टेन परसेंट यानी कितना हुआ बेटा फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है फिफ्टीन थाउजेंड तो टोटल तो 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 कितना वन लैख सिक्सटी फाइव और नीचे लिखो नेट वैट पेबल नेट वैट पेबल आउटपुट टैक्स आउटपुट टैक्स पंद्रह हजार लेस लेस क्या बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट एक वर्ड डालना क्या क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है तुम्हारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट दस हजार ये लॉजिक सबको समझ में आया ना मैं अब इसके आगे आई से क्या होता है वो नहीं पढ़ा होगा ठीक है तो नेट कितना हुआ पाँच हजार अच्छा एक मिनट एक मिनट अब एक लास्ट सवाल पूछना है सर ये पाँच हजार अगर टैक्स आता है सुनो सब ध्यान से पाँच हज़ार अगर ये गवर्नमेंट को कितना देने वाला है ये सिर्फ पाँच ये गवर्नमेंट को पाँच हजार देने वाला है ओके पेमेंट और पेमेंट देगा कितना बेटा पाँच हजार अब मेरा सवाल है कि अगर ये गवर्नमेंट को पाँच ही दे रहा है तो ये पंद्रह कैसे पास ऑन कर रहा है अगर इसने पाँच दिए तो इसने भी पाँच ही पास ऑन करने चाहिए आपको बताओ क्यों कैसे है वो ऑलरेडी दस हजार दे चुका है किसको दे चुका सप्लायर को दस गवर्नमेंट को पांच एंटायर बर्डन और एंटर कैसे पास ऑन किया फिफ्टीन थाउजेंड इज इट क्लियर यस ओके तो चलो हम देखेंगे सेशन बाकी नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे ठीक है